हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी मैराथन है और गाइस आईबीपीएस का एग्जामिनेशन भी है बहुत जल्दी, यानी कि कल आपका एग्जामिनेशन भी है और उसी के साथ साथ आपका एनालिसिस भी है। तो गाइस एनालिसिस के सेशन में आप सभी को जरूर जुड़ना है। वेरी गुड नून, वेरी गुड नून गाइस। तो एक बार यार फटाफट से आप सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए जल्दी से। और यार सबसे पहली बात कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरी बात कि अड्डा 24/7 के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको डाउनलोड करके जब आप एग्रीकल्चर की कैटेगरी को करते हो तो उसमें आपको डेली क्विजेस के ऑप्शन में एग्रीकल्चर क्वांट्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनको आप चेक करके अपना ऑल इंडिया रैंक भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस विदाउट डिले आज हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, आज की हमारी मैराथन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी फॉर द काउ इन स्पेशली इन मंथ। तो ये पूछ रहा है कि काउ में प्यूबर्टी की एज क्या होती है, मतलब मंथ के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है। तो 8 to 10 मंथ होगी, 38 to 40 मंथ होगी, या फिर 20 to 24 मंथ होगी, या फिर 24 to 30 मंथ होगी। तो गाइस फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और यार जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट सेशन में जुड़ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए, ताकि हम आज अपने सारे के सारे क्वेश्चन को हमें फोड़ देना है, बस बहुत अच्छे से करना है। इसलिए जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर जरूर से कर दीजिए। ओके, हाँ जी दुर्योधन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून शुभम त्यागी, अजय, वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। तो यार फटाफट से एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि द एज ऑफ प्यूबर्टी फॉर द काउ इन मंथ। तो स्पेशली गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट विल बी 24 to 30। ठीक है, तो काउ में जो प्यूबर्टी पीरियड होता है वो 24 से 30 महीने का होता है। हाँ जी दामिनी पटेल, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब MBRT यानी कि आपका मिथाइल MBRT का जो टेस्ट है ये किसके लिए करा जाता है, वाटर के लिए, ऑयल के लिए, मिल्क के लिए, या फिर एल्कोहल के लिए। तो गाइस फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि MBRT जो है ये बेसिकली किसके लिए यूज करा जाता है। तो फटाफट से आंसर बताइए गाइस। मांडवी, हाँ जी हेलो मांडवी, वेरी गुड आफ्टरनून भावना। चलो गाइस फटाफट से आंसर कीजिए इन क्वेश्चंस का। तो MBRT जो टेस्ट है वो किसके लिए यूज होता है, वाटर के लिए यूज होता है, ऑयल के लिए यूज होता है, मिल्क के लिए यूज होता है, या फिर एल्कोहल के लिए यूज होता है। तो वेरी गुड शुभम, भावना, मांडवी, सौरभ, सारे स्टूडेंट ने बोला है कि सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल गाइस मिल्क आपके लिए करेक्ट, मिल्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिल्क में बेसिकली इसको किसके लिए यूज करते हैं, तो मिल्क के पास्चराइज्ड मिल्क की क्वालिटी को चेक करने के लिए, जब हमें ये चेक करना होता है क्वालिटी ऑफ रॉ एंड पास्चराइज्ड मिल्क। तो बेसिकली आपका मिल्क जो है वो पास्चराइज्ड रॉ एंड पास्चराइज्ड मिल्क की क्वालिटी को अगर हमें चेक करना है कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए हम MBRT टेस्ट करते हैं। और ये MBRT टेस्ट अलग अलग कलर शो करता है, जैसे पिंक कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है, तो अलग अलग कलर, पिंक कलर जैसे बैक्टीरियल कंटामिनेशन को दिखाता है, ब्लू कलर जनरली ये दिखाता है कि नो कंटामिनेशन, क्लीन है वाटर, ठीक है। तो बेसिकली मिथाइलिन ब्लू टेस्ट होता है जनरली ये, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। विच इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करने की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से यूज करी जाती है। बिल्कुल मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, MBRT टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए गाइस कि विच इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून विश्व चौधरी, वेलकम इन द सेशन। माइक्रोफिल्ट्रेशन के लिए होता है, होमोजेनाइजेशन के लिए होता है, बैक्टोफ्यूमिगेशन के लिए होता है, या फिर नन ऑफ दीज होगा, बताइए। हाँ अरविंद चौहान, वन, ओके विश्व चौधरी, सी हंसा, सी ए, ओके सौरभ, सी शुभम त्यागी, सी, ओके। तो गाइस बिल्कुल बैक्टोफ्यूमिगेशन, ठीक है। बैक्टोफ्यूगेशन बेसिकली एक सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है और यहाँ पर बैक्टीरिया के स्पोर्स को रिमूव करा जाता है, यानी कि माइक्रोब्स के स्पोर्स को रिमूव करा जाता है फ्रॉम द मिल्क से, स्पेशली व्हेन डेस्टिंग फॉर द चीज मेकिंग। तो जो दूध आप पनीर बनाने के लिए यूज कर रहे हो उस मिल्क के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है। अदर माइक्रोब्स में भी रिमूव इन द बैक्टोफ्यूमिगेशन, इससे बाकी माइक्रोब्स को रिमूव करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू रिमूव मिल्क स्टोन डैश इज यूज्ड, एल्केलाई
एल्कोहल, एसिड्स एंड एसीटोन। तो गाइज आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मिल्क स्टोन को रिमूव करने के लिए किसको यूज करा जाता है। फटाफट से आंसर कीजिए गाइज। और यार साथ ही साथ जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं यार, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से आंसर बताइए गाइज, क्या होगा टू रिमूव द मिल्क, टू रिमूव मिल्क स्टोन। तो मिल्क स्टोन को रिमूव करने के लिए किसको यूज करते हैं? कुलदीप कुमार, एसिड इज करेक्ट। ओके ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए गाइस क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ओके अजय ने भी आंसर दिया है सी। ओके हंसा ने भी आंसर दिया है सी एसिड। शुभम त्यागी का भी आंसर आया है सी। तो गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल एसिड। आप सभी ने एसिड बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। एसिड्स को जनरली मिल्क स्टोन को रिमूव करने के लिए यूज करा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। जैसे ओवेसारिस शीप, ब्यूबेलिस बफेलो, सस डोमेस्टिकस स्वाइन एंड इक्वस कैबलस कैमल। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। जल्दी से बताइए गाइस, इनमें से कौन सा वाला सही नहीं है, बताइए विच वन इज नॉट करेक्ट। और गाइस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो। फटाफट से बताओ गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। ओके हंसा का आंसर आया है डी। महेंद्र कुमार डी। ओके तो गाइस बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इक्वस कैबलस, दैट वन इज कैमल। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेगनाला डिजीज, डेगनाला डिजीज इन एनिमल इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो डेगनाला डिजीज जो है किसकी डेफिशिएंसी से होती है? सोडियम, सिलिकॉन, सिलेनियम एंड मैग्नीशियम। तो गाइस अब इसमें करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। प्रियंका सोलस्कर डी इज करेक्ट। दामिनी डी इज करेक्ट। सौरभ डी इज करेक्ट। शुभम डी इज करेक्ट। ओके तो बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर बताया आप सभी ने सिलिकन, ठीक है सिलिकन। तो बेसिकली सिलिकन हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी सिलेनियम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गाइस सिलेनियम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है गलती से सिलिकन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच व्हाट इज द शेप ऑफ ओवरी इन बफेलो। तो बफेलो यहाँ पर बफेलो की ओवरी का शेप कौन सा होगा? आलमंड, बेरी शेप्ड, किडनी और ओवल शेप, बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। व्हाट इज द शेप ऑफ बफेलो, व्हाट इज द शेप ऑफ ओवरी ऑफ द बफेलो। बफेलोस की ओवरी का शेप क्या होता है जल्दी से बताओ। आलमंड होगा, बेरी होगा या फिर किडनी शेप होगा या फिर ओवल शेप होगा, जल्दी से बताओ। सी आंसर इज करेक्ट। भावना, प्रियंका सी इज करेक्ट। महेंद्र सी इज करेक्ट, किडनी शेप। वेरी गुड गाइस बिल्कुल सही बताया है किडनी शेप, ठीक है किडनी शेप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच बोला है, ठीक है। तो बोविडी सबसे पहली फैमिली है, ठीक है। शीप, गोट, कैटल, बफेलो, देन स्वीडी है स्वाइन, इक्विडी है हॉर्स एंड कैमिडी है एश। अब बताइए इनमें से सही सही कौन सी फैमिली है, जल्दी से बताओ गाइस कौन सी फैमिली करेक्ट है यहाँ पर, बताइए कौन सी फैमिली यहाँ पर करेक्ट है, बताइए जल्दी से। हाँ डी इज करेक्ट। ओके अजय का आंसर आया है डी, ठीक है वेरी गुड गाइस बिल्कुल सही बताया कैमिडी एश, ठीक है ये करेक्टली मैच नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लाइव स्टॉक सेंसस इज डन आफ्टर एवरी ईयर। तो भाई लाइव स्टॉक सेंसस हर ईयर कितने सालों में कंडक्ट करा जाता है, फटाफट से बताइए गाइस, फटाफट से बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। डी हंसा, प्रियंका, महेंद्र डी, सारे स्टूडेंट डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा ओके अच्छा पुराने वाले का डी बता रहे हो, ओके ठीक है। अब इस क्वेश्चन का बताइए गाइस क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। हाँ बिल्कुल डी आप सभी का करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन का बताइए कि लाइव स्टॉक सेंसस कितने सालों में होता है। ओके शुभम त्यागी, प्रियंका, ओके वेरी गुड अरविंद, निधि, सारे स्टूडेंट ने डी आंसर यहाँ पर 5 ईयर आंसर किया ए। यस गाइस बिल्कुल सही, ह्यूमंस का होता है 10 ईयर में और एनिमल्स का होता है जनरली 5 ईयर्स में, ठीक है। और अभी जो रिसेंट सेंसस हुआ है वो हुआ है 2019 का, और इस 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंग लाइव स्टॉक की टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई। तो लाइव स्टॉक की टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो गाइस ये है आपकी 536, कितनी है 536.76 मिलियन, कितनी है 536.76 मिलियन है, जिसमें प्रीवियस ईयर से 4.8% इंक्रीज हुआ है, जिसमें 2012 के कंपैरिजन में 2019 में 4.8% इंक्रीज हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर नंबर ऑफ कैटल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ कैटल्स की गाइस अगर हम बात करें
तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैटल्स टोटल कितने हैं, 193, नंबर ऑफ कैटल्स 193.6, ये नंबर ऑफ कैटल्स है यहाँ पर, ठीक है, 193.46 मिलियन, तो ये नंबर ऑफ कैटल्स हैं, ठीक है, 2019 में। और यहाँ पर अगर हम बोवाइन पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बोवाइन पॉपुलेशन की बात बताऊं, तो बोवाइन पॉपुलेशन में आपके मिथुन, याक, ये सभी आते हैं, ठीक है, कैटल, मिथुन, याक, ये सभी आते हैं, तो इनकी टोटल पॉपुलेशन है 303.76, कितनी है, 303.76 है, क्लियर बात, ओके। चलो अब गाइस, अगर हम टोटल कैटल पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो कैटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो कैटल्स की पॉपुलेशन देखो, कैटल्स की पॉपुलेशन में टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 1.3% 2012 के कंपैरिजन में। अभी जो हुआ है ये टोटल कितना हुआ है, ये टोटल जो इंक्रीज हुआ है आपका, ये टोटल इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 1.3%, ठीक है, क्लियर बात, इतनी बात समझ गए। चलो अब इसके अलावा गाइस एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ पर अगर हम टोटल पॉपुलेशन में देखें, तो दो एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन कुछ ईयर से कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, वो एनिमल्स हैं आपके कैमल और डंकी, ठीक है, कैमल और डोंकी की पॉपुलेशन जो है कुछ ईयर से डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 2003 से डिक्लाइन हो रही है और 2019 तक अभी डिक्लाइन ही हो रही है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हुई है, ओके। इसके अलावा गाइस अगर मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन कौन कौन से स्टेट में इंक्रीज हुई है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल में लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। और इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है तेलंगाना का, कितना है, तेलंगाना का नंबर है, ठीक है, तेलंगाना की भी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, क्लियर बात, ठीक है, हाँ, तो कैमल और डंकी की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है और बाकी वेब ये आपका वेस्ट बंगाल और जो हाईएस्ट इंक्रीज हुई है वेस्ट बंगाल में, देन हुई है तेलंगाना में। और रिड्यूस कहाँ हुई है पॉपुलेशन, तो दो तीन स्टेट में, एक तो राजस्थान में रिड्यूस हुई है, ठीक है, राजस्थान में रिड्यूस हुई है, गुजरात में रिड्यूस हुई है, ठीक है, राजस्थान में, गुजरात में, और इसके अलावा यूपी में पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है। और ओवरऑल मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है कैटल्स में, यूपी की पॉपुलेशन कैटल्स में सबसे ज्यादा है, लेकिन अभी इसकी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हुई है, क्लियर बात, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, गोट, किडिंग, हॉर्स, फॉलिंग, शिप, लैम्बिंग एंड बफेलो फरोइंग। अब बताइए गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ गाइस। बायो का भी चल रहा है, ये बायो का क्लास नहीं है, ये एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट पैथोलॉजी की क्लास है, ठीक है। अब जल्दी से बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, गोट, हॉर्स, शीप एंड बफेलो। और इसके सामने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, किडिंग, फॉलिंग, लैम्बिंग एंड फरोइंग। फटाफट से बताइए गाइस ऑप्शन नंबर डी, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बफेलो फरोइंग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिफर टू अनडिस्केंडेड कंडीशन ऑफ द ईस्टर इनटू द स्क्रोटल सैक, क्रिप्टोकॉर्निज्म, स्क्रोटल हर्निया, फ्री मार्टिन एंड वाइट हिफर डिजीज। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो बेसिकली अनडिस्केंडेड कंडीशन जो है ये जनरली कब आती है, ये एस्टर जिसमें जनरली कंडीशन ऑफ एस्टर इनटू द स्क्रोटल सैक, बताइए। हाँ, वेरी गुड निधि पाठक का आंसर आया है डी, अनिल पटेल, बफेलो कालविंग, ओके, ठीक है, शुभम त्यागी डी इज करेक्ट, कपिल डी इज करेक्ट, ओके, वेरी गुड गाइस, तो बिल्कुल सी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्रिप्टोकाइडिज्म, ठीक है, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑस्ट्रालोप बर्ड कम इन टू द कैटेगरी, तो जो ऑस्ट्रालोप बर्ड है वो कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, बताइए, अमेरिकन कैटेगरीज में, मेडिटेरियन, एशियाटिक एंड इंग्लिश कैटेगरी में, बताइए। हाँ बिल्कुल हंसा यादव, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, क्रिप्टो, हाँ जी। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रालोप बर्ड कम्स इन टू द कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा भाई, जल्दी से बता दो गाइस, जल्दी से बता दो। वेरी गुड सौरभ, डी इज करेक्ट, मनोज डी इज करेक्ट, वेरी गुड, हाँ भावना ए इज आंसर, ठीक है, अनिल पटेल डी इज करेक्ट, ओके। तो गाइस जितने स्टूडेंट डी आंसर करें उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, तो ऑस्ट्रालोप जो है वो इंग्लिश क्लास के अंडर आता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द एग शुड बी कैंडल्ड ऑन, एग में कैंडलिंग की प्रोसेस करते हैं आप सभी को पता है, तो भाई एग शुड बी कैंडल्ड ऑन डैश डे ऑफ इंक्यूबेशन, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बताइए कौन से डे में, जनरली डे ऑफ इंक्यूबेशन, तो एग को कितना टाइम तक जो कैंडलिंग करते हैं वो कितना टाइम तक करते हैं, कितने डेज तक करते हैं इंक्यूबेशन में, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे या फिर फिफ्थ डे, बताइए जल्दी से बताइए।
मैम मैं भी करे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अजय आप भी करेक्ट दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो। राजेश भावना डीज करेक्ट, ठीक है। ब्रात डीज करेक्ट, कपिल हंसा अजय बीस करेक्ट, ओके सारे स्टूडेंट बी आंसर करें। शुभम अनिल दामिनी भावना कपिल प्रियंका वेरी गुड गाइस, बिल्कुल। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टू नहीं होगा थ्री होगा। कपिल हंसा और प्रियंका, ये कपिल और हंसा और प्रियंका तीनों का आंसर सही है, ठीक है। जितने स्टूडेंट ने बी कहा सभी का आंसर सही है, ओके। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्ब्स, तो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। ग्लूकोज होगा, माल्टोज होगा, लैक्टोज होगा या फिर सुक्रोज होगा। तो जल्दी से बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा। और यार लाइक और शेयर जरूर करते रहो सेशन को, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर करते रहो सेशन को। चलिए अब बताइए मुझे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, इनमें से नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। कपिल सुक्रोज, ओके। बोनी झांसी ए वेरी गुड। ब्रात सुक्रोज, देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे हैं तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा यहाँ पर आपका सुक्रोज। देखो ग्लूकोज तो यार रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज को आप पानी में घोलते हो एकदम से टूट जाता है ना, ग्लूकोज को जैसे ही आप वाटर में मिक्स करते हो टूट जाता है, ठीक है। ये डी ग्लूकोज हो चाहे एल हो, तो बेसिकली क्यों टूटता है, क्योंकि इसमें ओएच ग्रुप ज्यादा होता है और ओएच ग्रुप जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक होता है भाई, पानी में घुलने के लिए तो पानी का लवर होना जरूरी है। केमिस्ट्री तो उसी के साथ बनती है ना जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो। तो ओएच की पानी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो ये इसके पास ओएच ग्रुप ज्यादा होते हैं ग्लूकोज के पास, और ये पानी में आराम से घुल जाता है। ग्लूकोज घुल जाएगा, माल्टोज भी घुल जाता है, लैक्टोज भी घुल जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिनरल्स इन फीड आर फीड सप्लीमेंट, कॉन्सेंट्रेट्स एंड मेडिसिन एंड नन ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बताइए गाइस। और यार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, फटाफट से बताइए। हाँ जी बिल्कुल बोनी झांसी, हाँ जी बताइए। अब भावना का आंसर आया है डी, ठीक है वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बताइए फटाफट से बताइए गाइस। हंसा का आंसर आया है ए, केमिस्ट्री बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल यार अच्छी केमिस्ट्री बनती है तभी तो वो घुलता है उसमें, है ना। चलो अब यहाँ पर हमें अपनी एनिमल हस्बेंड्री देखनी, केमिस्ट्री नहीं। चलो अनिल पटेल ए इज करेक्ट, निमिषा ए इज करेक्ट, सौरभ राकेश सप्लीमेंट सप्लीमेंट ओके, हंसा फीड सप्लीमेंट, महेंद्र बोनी झांसी बी इज करेक्ट, ठीक है ओके। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीड सप्लीमेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनिमल गेट स्वेलिंग ऑन द हाइंड क्वार्टर शोल्डर्स एंड नेक लिम्प्स एंड ऑन द प्रेसिंग द अफेक्टेड पार्ट मेक्स क्रिपिटेटिंग साउंड इन द डिजीज, तो भाई एनिमल के हाइंड पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और वो एक अलग सी साउंड करता है। इसके अलावा जो उसका नेक और लिम्ब्स वाला जो पार्ट है उस वो बैडली इफेक्ट होता है, तो ऐसा कौन सी डिजीज में होता है। ब्लैक क्वार्टर में, एचएस में यानी कि हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया में, एफएमडी में या फिर रिंडर पेस्ट में, बताइए। हाँ जी भावना आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया था, हाँ जी बिल्कुल। चलिए अब बताइए बिल्कुल बैरेट का आंसर आया है ब्लैक क्वार्टर, ओके। राकेश कुमार का भी आंसर आया है ए, हंसा ब्लैक क्वार्टर वेरी गुड, निमिषा ए, सौरभ अनिल पटेल दामिनी अजय हंसा वेरी गुड गाइस, बिल्कुल सही आप सभी ने आंसर किया है, बिल्कुल सही बताया। हाँ शुभम आकाश बिल्कुल सही आंसर बताया सभी ने, ब्लैक क्वार्टर, ठीक है ब्लैक क्वार्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काउपर्स ग्लैंड, तो काउपर्स ग्लैंड क्या है, प्राइमरी सेक्स ग्लैंड है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड है, बोथ आर करेक्ट या फिर नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज बताइए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट इज व्हाट आर दी काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड क्या है बताइए। हाँ जी बताइए, बकार्टी कार्टर फिटनेस फ्रीक क्या है ये, महेंद्र कुमार ए ओके ठीक है, फटाफट से बताइए गाइस कौन सी होंगी काउपर्स ग्लैंड। तो काउपर्स ग्लैंड जनरल, हाँ निमिषा का आंसर आया है बी, राकेश का भी आंसर आया है बी, ठीक है अनिल पटेल बी इज करेक्ट ओके ठीक है, आकाश बी इज करेक्ट, दामिनी बी इज करेक्ट ओके ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ गाइस क्या करेक्ट आंसर होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाइस। तो यहाँ पर आपका, हाँ अजय ने भी आंसर किया है बी, नो मैम, अच्छा तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वन बक इज सफिशियंट टू ब्रीड डैश डोज, तो एक बक कितनी डोज को ब्रीड कर सकता है बताइए। 20 to 30, 30 to 40, 50 to 60 and 80 to 100, भावना ए आंसर नहीं है, भावना बी आंसर होगा एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। चलिए
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आंसर्स देख लो और आंसर्स लर्न कर लो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप बोल दिया है, फटाफट से इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। वन बक इज सफिशियंट टू ब्रीड डैश डोज, बताइए। निमिषा ए इज करेक्ट, कपिल कुमार सी इज करेक्ट, बोनी झांसी ए इज करेक्ट, वेरी गुड। आकाश अच्छा, हंसा सी इज करेक्ट, कपिल अनिल पटेल सी इज करेक्ट, राकेश सी इज करेक्ट, फिटनेस फ्रीक 50, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ अजय सी इज करेक्ट। तो 50 to 60 हो जाएगा, ठीक है, 50 to 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बक को ब्रीड करने के लिए 50 to 60 चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिंडर पेस्ट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड मोल्ड। तो भाई रिंडर पेस्ट कौन कॉज करता है, बताओ रिंडर पेस्ट कौन कॉज करेगा, रिंडर पेस्ट का इन्फेक्शन कौन कॉज करेगा, बैक्टीरिया करेगा, वायरस करेगा, पैरासाइट करेगा या फिर मोल्ड करेगा, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। और यार सेशन को लाइक और शेयर करते रहो, ठीक है, अभी सेशन को शेयर नहीं किया है, जल्दी से बताइए गाइज, जल्दी से बताइए। हाँ प्रियंका का आंसर आया है ए, भरत का आंसर आया वायरस, बोनी झांसी वायरस, ओके, विश्व चौधरी, राकेश बीस करेक्ट, फिटनेस फ्रीक वायरस, निमिषा, अनिल पटेल, शुभम, अजय बीस करेक्ट, ओके, बाकी सारे स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं, हाँ भावना बी, अच्छा बी बोला है मैम, ओके ओके, हंसा बीस करेक्ट, यस गाइस जितने स्टूडेंट ने वायरस आंसर किया उन सभी का आंसर सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटर क्वालिटी खोया प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो अच्छी क्वालिटी का खोया कहाँ से प्रिपेयर करा जाता है, बफेलो से, काउ मिल्क से, शीप मिल्क से या फिर कैमल मिल्क से, बताइए किस कौन से मिल्क से बेटर क्वालिटी का खोया प्रोड्यूस करा जाता है, फटाफट से बताइए गाइस। सबसे अच्छी क्वालिटी का बटर मिल्क किससे प्रोड्यूस करा, सॉरी बेटर क्वालिटी खोया किससे प्रोड्यूस करा जाता है, फटाफट से बताइए। हाँ वो 50 to 60 है, अभी उसको छोड़ दो, अभी इस पे आ जाओ, फटाफट से बताओ गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा बीस करेक्ट, सारे स्टूडेंट बी कर रहे हैं, ए होगा, बफेलो मिल्क होगा, बफेलो मिल्क। अच्छा गाइस मुझे एक चीज और बताइए, हाईएस्ट फैट कंटेंट किसके मिल्क में होता है, हाईएस्ट फैट कंटेंट और हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, ठीक है, किसके मिल्क में हाईएस्ट फैट कंटेंट और हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट होता है, ये भी मुझे बताइए, हाईएस्ट फैट कंटेंट और हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किसके मिल्क में होता है। तो देखो हाईएस्ट फैट कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट फैट कंटेंट होता है आपके बफेलो के मिल्क में, ठीक है, हाईएस्ट फैट कंटेंट बफेलो के मिल्क में होता है और हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट होता है शीप के मिल्क में, ठीक है, ध्यान रखना, हाईएस्ट फैट कंटेंट होता है शीप के, सॉरी प्रोटीन कंटेंट होता है शीप के मिल्क में और हाईएस्ट फैट कंटेंट होता है बफेलो के मिल्क में, ठीक है, फैट बफेलो मोटी होते हैं ना तो फैट कंटेंट ज्यादा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ गुड क्वालिटी दही शुड हैव एसिडिटी लेस देन 0.8, 1.0, 1.5 एंड 2.0%। अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ। गुड क्वालिटी दही शुड हैव एसिडिटी लेस देन, तो एक अच्छी क्वालिटी की जो दही है उसमें एसिडिटी कितने से कम होनी चाहिए, क्विकली बताओ गाइस, फटाफट से बताओ। और यार जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, यार सेशन को लाइक करते रहो, फटाफट से सेशन को लाइक भी करते रहो साथ साथ, है ना। ओके भावना ए इज करेक्ट, ओके निमिषा सी इज करेक्ट, अनिल पटेल ए इज करेक्ट, ओके ठीक है, निधि पाठक सी इज करेक्ट, हंसा सी इज करेक्ट, ओके। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 0.8। तो भाई दही का जो एसिडिटी है वो 0.8% से लेस होना चाहिए, क्लियर बात, हाँ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लैक्टोज इन अ मिल्क एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ, तो जो लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज जो है वो जनरली किस फॉर्म में रहता है, तो वो आपका कोलाइडल के फॉर्म में रहता है, ठीक है, इमल्शन के फॉर्म में रहेगा या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा या फिर नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए लैक्टोज इन अ मिल्क, मिल्क में लैक्टोज कौन से फॉर्म में रहता है, यानी कि दूध में लैक्टोज शुगर होता है तो वो लैक्टोज शुगर किस फॉर्म में रहता है, ठीक है, वो इमल्शन के फॉर्म में रहेगा, सोचो थोड़ा सा, कोलाइडल, सॉल्यूशन या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। निमिषा ए इज करेक्ट, ठीक है, बोनी झांसी ए इज करेक्ट, वेरी गुड, शुभम बी इज करेक्ट, ओके, सॉल्यूशन महेंद्र सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन, मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्यूशन बता रहे हैं, निधि
कोलाइडल अर्जुन बी ओके ठीक है गाइस, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है बिल्कुल मिक्स होता है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉलिड नॉट फैट SNF कंटेंट ऑफ टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क का सॉलिड नॉट फैट कंटेंट कितना होता है? तो 6.0, 7.0, 8.5 एंड 9.0 बताइए। हाँ कोलाइडल प्रोटीन बिल्कुल, अब पर उसमें लैक्टोज जो होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है क्योंकि मिक्स्ड होता है ना वो दूध के साथ बिल्कुल। ठीक है चलो अब बताओ, भावना कुमारी शी इज करेक्ट, ठीक है दिग्विजय 20 करेक्ट, भावना 0.8 बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए इस क्वेश्चन का बताइए, अनिल पटेल ओके सी इज करेक्ट, मोनी झांसी सी इज करेक्ट, फिटनेस फ्रीक सी इज करेक्ट, हरीश सी इज करेक्ट, बरात सी इज करेक्ट ओके ठीक है। ठीक है गाइज वेरी गुड वेरी गुड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 8.5, ठीक है 8.5 सी इज करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गर्बर मेथड इज यूज्ड फॉर डैश टेस्टिंग, हाँ बिल्कुल गाइस 8.5 सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन का हाँ डबल टोन का बिल्कुल सही बताया, डबल टोन का 9 है हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर टोन मिल्क का हो जाएगा 8.5, ठीक है और डबल टोन का बढ़ जाएगा 9। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, गर्बर मेथड इज यूज्ड फॉर, गर्बर मेथड किसकी टेस्टिंग के लिए यूज करा जाता है? फैट प्रोटीन लैक्टोज एंड विटामिन, वेरी गुड। फिटनेस फ्रीक का आंसर आया है फैट, हाँ फिटनेस फ्रीक आपका आंसर मैंने देख लिया है। हंसा सी इज करेक्ट, लैक्टोज ओके, कुलदीप फैट, राकेश ए इज करेक्ट, बैरेट फैट, विशु फैट ओके, हंसा ए इज करेक्ट, अर्जुन ए इज करेक्ट, दामिनी फैट इज करेक्ट। यस गाइस तो भाई बिल्कुल सही, जितने स्टूडेंट ए आंसर करें उनका आंसर बिल्कुल सही है। गर्बर मेथड जो है बेसिकली ये फैट के लिए यूज करा जाता है, ठीक है फैट की टेस्टिंग जनरली इससे हम करते हैं ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल शेप हॉर्न्स आर इन बफेलो, तो सिकल शेप हॉर्न्स कौन सी बफेलोज में होते हैं? जफराबादी, नागापुरी, टोडा एंड सूरती। अब बताइए गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। हाँ सिकल शेप हॉर्न इन बफेलो, सिकल शेप हॉर्न कौन सी बफेलो में होते हैं बताइए जल्दी से मुझे, जफरावादी, नागापुरी, टोडा एंड सूरती बताइए। फिटनेस फ्रीक सूरती ओके, कुलदीप डीज करेक्ट, निमिषा डीज करेक्ट, बैरेथ, वरुण सूरती, सूरती वेरी गुड गाइस बिल्कुल सही बता रहे हो सूरती, ठीक है सूरती ब्रीड के पास शिकल शेप हॉर्न्स होते हैं। ठीक है चलिए तो सूरती बफेलो मीडियम साइज की बफेलो होती है, ठीक है और जनरली ये इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो शिकल शेप होते हैं, फ्लैट होते हैं, डाउन बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ होते हैं थोड़ा सा। ठीक है तो चलो इनका जो स्किन होता है ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस हम। द यूटेराइन ग्लैंड सिक्रीट यूटेराइन मिल्क, तो जो आपकी यूटेराइन ग्लैंड है जनरली वो यूटेराइन मिल्क को सिक्रीट करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन फैट ग्लाइकोजन एंड ऑल ऑफ दीस। तो अब आपको ये बताना है कि जो आपकी यूटेराइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है वो ये जनरली यूटेराइन मिल्क को सिक्रीट करती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कुछ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आकर के, जैसे एस्ट्रोजन है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, लेकिन ये किससे मिलकर के बने होते हैं बताओ, ये किससे मिलकर के बने होते हैं ये आपको बताना है। लैक्टोज सॉरी क्या, ये जनरली आपके प्रोटीन फैट्स ग्लाइकोजन और ऑल ऑफ दीस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, निमिषा का आंसर आया है बी, ठीक है ओके, बोनी झांसी डी इज करेक्ट, भावना डी इज करेक्ट ओके, फटाफट से बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस जल्दी से बताइए। ओके ए इज करेक्ट, सारे स्टूडेंट ए कर रहे हैं, ठीक है ऑल 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 ओके ऑल 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 वेरी गुड गाइस बिल्कुल सही, जितने स्टूडेंट ऑल आंसर करें उनका आंसर सही है ऑल होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओव्यूलेशन में बी डिफाइंड एज डिस्चार्ज ऑफ एग फ्रॉम, तो ओव्यूलेशन में क्या, ओव्यूलेशन बेसिकली क्या है, डिस्चार्ज ऑफ एग फ्रॉम, एग का जो डिस्चार्ज है वो किससे होता है, ग्रेफियन फॉलिकल से या फिर कॉर्पस ल्यूटियम से या फिर आपका यूट्रस से या फिर वजाइना से, अब बताइए। ओव्यूलेशन में बी डिफाइंड एज द डिस्चार्ज ऑफ एग फ्रॉम, तो एग का जो डिस्चार्ज है वो जनरली किससे होता है बताइए, एग का जो डिस्चार्ज है वो किससे होता है बताइए। मैम पेपर में ओनली इंग्लिश आएगा या इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे? नहीं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, दोनों लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है डोंट वरी। हरीश ऑल इज करेक्ट, हाँ बिल्कुल ऑल करेक्ट है, अब इस क्वेश्चन का बताइए। प्रियंका ए इज करेक्ट, निमिषा ए इज करेक्ट, बरेथ, अनिल वेरी गुड राकेश
ए इज करेक्ट, अर्जुन हंसा, बिल्कुल गाइस बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। तो जो जनरली ओव्यूलेशन में आपका जो एग डिस्चार्ज होता है, ठीक है, एग डिस्चार्ज जो होता है जनरली वो आपका ग्रेफियन फॉलिकल से होता है। बिल्कुल दिग्विजय आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस मेजर फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड आर। तो बेसिकली आपका जो ये ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस है ये आपके मेजर फिजियोलॉजिकल एक्शन है, किसके, थायोट्रोपिन के, प्रोलैक्टिन के, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, या फिर ऑक्सीटोसिन के। हाँ जी गाइस बिल्कुल बिल्कुल ग्रेफियन बिल्कुल सही आंसर है। जितने दिव्या और ये महेंद्र आप दोनों का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस मेजर फिजिकल एक्शन ऑफ आर किसके है, प्रोलैक्टिन। ओके वरुण का आंसर आया है प्रोलैक्टिन, ठीक है। हरीश सी इज करेक्ट, ओके। हंसा सी इज करेक्ट, दिव्या सी इज करेक्ट, अनिल सी इज करेक्ट, हरीश सी इज करेक्ट, ओके। ज्यादातर स्टूडेंट सी बता रहे, बिल्कुल गाइस सही बता रहे हो आप सभी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। एवरेज हार्ट बीट पर मिनट ऑफ काउ, तो काउ की एवरेज हार्ट बीट एक मिनट में कितनी है, 72, 90, 55 और 75 बताइए। 72, 90, 55 और 75, अब बताइए इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से बताइए गाइस इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा, बताओ इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा। इनमें से अगर हम हार्ट बीट देखते हैं तो भाई किसकी, सॉरी इनमें से अगर हम पर मिनट हार्ट बीट देखते हैं तो किसकी कितनी हार्ट बीट है बताइए, किसकी कितनी हार्ट बीट है बताइए, काऊ की कितनी हार्ट बीट है, ओके 75, अच्छा 75 है, ओके ओके ठीक है ठीक है, बताइए गाइस 55, ठीक है। तो चलिए गाइस बिल्कुल 55 करेक्ट आंसर है। तो काऊ की यार स्लो होती है, ठीक है, स्लो होती है इसकी हार्ट बीट रेट, अल्टीमेटली 55 होती है, ठीक है। अच्छा गाइस अगर इसकी काऊ की अगर मैं रेस्पिरेशन रेट की बात करूं, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट की बात करूं अगर मैं काऊ की, तो रेस्पिरेशन रेट कितना हो जाएगा काऊ का, बताओ रेस्पिरेशन रेट काऊ और बफेलो का कितना हो जाएगा, काऊ और बफेलो का रेस्पिरेशन रेट कितना होगा फटाफट से बताओ। तो गाइस काऊ और बफेलो का जो रेस्पिरेशन रेट अगर हम काउंट करें तो 12 से 16 है, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट इनका क्या हो जाएगा 12 से 16 हो जाएगा, ठीक है। और पल्स रेट जो होगा इनका नॉर्मल होगा, 45 टू 55 के अराउंड होता है, ठीक है। अब देखो गोट का अगर हम पल्स रेट देखेंगे गाइस, तो गोट का पल्स रेट अगर हम गोट का अगर हम रेस्पिरेशन रेट देखेंगे, ठीक है, गोट का रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो होता है 12 से 20, ठीक है, ध्यान रखो गोट का जो पल्स रेट होता है वो होता है 12 से 20, ठीक है, 12 से 20 होगा। शिप का भी 12 से 20 हो जाएगा, ठीक है, और लेकिन हेन का ज्यादा होता है, हेन का रेस्पिरेशन रेट होता है ज्यादा, ठीक है। तो ये ऑन एन एवरेज 30 तक होता है, ठीक है, 15 से 30 लगभग हेन का होता है, ठीक है, 15 to 30 लगभग हेन का रेस्पिरेशन रेट होता है, क्लियर बात, ठीक है। वहीं अगर हम पल्स रेट की बात करेंगे गाइस, तो गोट और शिप, ठीक है, गोट और शिप का जो पल्स रेट होता है वो 70 से 80 होता है, ठीक है, हेन का ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है हेन का ज्यादा, ठीक है, बता तो रही हूँ 15 to 30 है, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट ये रहा। अब देखो गाइस अगर मैं आपसे पल्स रेट की बात करूं, ठीक है, तो पल्स रेट की बात करूं तो गोट का भी ज्यादा होता है पल्स रेट, ठीक है, पल्स रेट की अगर मैं बात करूं गोट की तो 75 के अराउंड होता है, ठीक है, 75 टू 80 के अराउंड होता है, 75 to 80, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ मैं ताकि आप लोग इसको नोट भी कर लो, है ना। तो रेस्पिरेशन रेट आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो पल्स रेट भी साथ साथ में नोट कर लो। पल्स रेट जैसे ये आपका काऊ और बफेलो का तो 45 to 55 के अराउंड होता है, ऐसे ही गोट का जो पल्स रेट है, ठीक है, गोट का जो पल्स रेट है ये ऑलमोस्ट कितना होता है, 75 to 80 तक होता है। शिप का भी इतना ही होता है, शिप का भी इतना ही होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है शिप का भी, ठीक है। देखो गाइस इसके अलावा दूसरा अगर हम देखते हैं हेन का, ठीक है, तो हेन का सबसे ज्यादा होता है पल्स रेट, हेन का पल्स रेट जो है ये होता है 300 के अराउंड, ठीक है, पर मिनट जो है 300 के अराउंड होता है। वेरी गुड आफ्टरनून केशव, वेलकम इन द सेशन। चलिए तो गाइज ये होता है इनका जनरली पल्स रेट, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो काऊ का कितना होता है,
बॉडी टेम्परेचर भी देख लो यहाँ पर, जब ये क्वेश्चन आ ही गया तो हम इसमें इसका बॉडी टेम्परेचर भी देख लेते हैं। तो गाइस आप लोग बताइए मुझे कि काओ और बफेलो, गोट, शीप, इन सभी का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है भाई? तो गाइस अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर अगर मैं देखूँ तो काओ का जो है वो होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम इसको फारेनहाइट में देखेंगे तो फारेनहाइट में हो जाएगा 101। वहीं अगर आप बफेलो का देखोगे तो बफेलो का कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, पॉइंट में हो सकता है ऊपर नीचे 38.5, 38.1, बाकी बफेलो का हो जाएगा 37। ठीक है, तो बफेलो का कम है 37, तो इसका ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा इसका। ठीक है, गोट का अगर आप देखोगे तो गोट का ज्यादा होता है, गोट का ज्यादा होता है, गोट का हो जाएगा 39। देखो याद करो ऐसे में 38.5, 39, 37 और 39। क्लियर। इसके अलावा गाइस शिप का देखेंगे तो शिप का एग्जैक्ट 39 होता है। ठीक है, शिप का भी 39 है। हाँ, अगर हम हेन का देखेंगे तो हेन का बहुत ज्यादा होता है, हेन का ऑलमोस्ट 41 तक होता है, 41.5 तक होता है। ठीक है, हेन का ऑलमोस्ट 41. हाँ, वेरी गुड वरुण, बिल्कुल सही बताया, 41। ठीक है, 41.25, ये रेंज जो है ये आपका वेरी करता रहता है। अच्छा, कैमल का कितना होता है गाइस? तो कैमल का हो जाएगा आपका 37। ठीक है, कैमल का हो जाएगा आपका 37। ठीक है, कैमल का अगर आप नोट करोगे तो कैमल का 37 है। क्लियर बात? ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा। पिग्स का 39 होता है, पिग्स का 39 होता है, गोट के जितना लगभग। ठीक है, गोट के जितना लगभग होता है। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जमुनापारी इज अ ब्रीड ऑफ, जमुनापारी किसकी ब्रीड है? काउ, बफेलो, गोट एंड पिग, बताइए जमुनापारी किसकी ब्रीड है? काउ, बफेलो, गोट एंड शीप, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? काओ, बफेलो, गोट एंड शिप, बताइए बताइए गाइस। हाँ बिल्कुल, फारेनहाइट में देखेंगे तो 107, 102, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जमुनापारी इज अ ब्रीड ऑफ, वेरी गुड। कुलदीप का आंसर आया है डी, अनिल का आंसर आया है डी, ठीक है, हंसा, वरुण, दिव्या, डी, वेरी गुड गाइस, दिग्विजय, बकरी, अच्छा वेरी गुड, विशु, डी, मैम हिंदी प्लीज बताइए, हिंदी में क्वेश्चन बता तो दिए, हिंदी में आपके दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज स्टार्टिंग में चूज कर रहे हो। ठीक है गाइज, यार सेशन को लाइक और शेयर करते रहो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही सेशन में मिल रही है, तो यार बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर करना तो बनता है। गोट, गोट, वेरी गुड गाइज, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, गोट। ठीक है, तो ये रोमन नोज वाली गोट होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज used for the adult male of horse, तो हॉर्स का जो एडल्ट मेल होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? स्टैलियन, स्पेड, कोल्ट या फिर फिल्ली। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं आईबीपीएस में। ठीक है, बताइए, मतलब बाकी एनिमल्स के लिए, कैटल्स वगैरह के लिए ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द एडल्ट ऑफ हॉर्स, हॉर्स एडल्ट हॉर्स के लिए कौन सा टर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं, बताइए गाइस। ए ए ए, वेरी गुड, बोनी झांसी, ए इज करेक्ट, वेरी गुड, निमिषा, ए इज करेक्ट, अनिल पटेल, दामिनी, ऋतिक, विशु, दीपक, स्टेलियन, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही बताया आपने, स्टेलियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोल्ट्री बर्ड विच आर एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर मीट आर कॉल्ड, लेयर्स, कॉकरेल, रूस्टर एंड ब्रॉयलर, अब बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? पोल्ट्री बर्ड जिनको स्पेशली मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल दिग्विजय, महेंद्र आपका आंसर बिल्कुल सही है, स्टेलियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस इस क्वेश्चन का। पोल्ट्री बर्ड विच आर ग्रोन एक्सक्लूसिवली फॉर द मीट आर कॉल्ड, इनको क्या बोलेंगे हम? यार लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं गाइस, तो लाइक्स भी करते रहिए सेशन को, जितने स्टूडेंट है उन्होंने लाइक नहीं किया अभी, ये गलत बात है ना। चलिए बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। वरुण, ब्रॉयलर, ओके, दामिनी, डी इज करेक्ट, यस गाइस, इसका तो सिंपल सा आंसर है ब्रॉयलर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। तो एग लेइंग वाले हमारे लेयर्स हो गए। ठीक है, चलो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डैम, डैम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? सिक्स मंथ एज काल्फ, सिक्स मंथ की एज वाला काल्फ होगा, द फीमेल पेरेंट ऑफ काल्फ, द मेल पेरेंट ऑफ काल्फ एंड एडल्ट फीमेल कैटल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए। हाँ यार बिल्कुल, इतना हिंदी में बता रही हूँ, इतना हिंदी में तो बोल ही रही हूँ, चलो कि आपको आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, विच कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कौन सा तथ्य सही है डैम के लिए, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा गाइस यहाँ पर, बताइए सिक्स मंथ एज काल्फ, छह महीने वाला काल्फ होगा, या फिर फीमेल पेरेंट होगा, या फिर मेल पेरेंट होगा, या फिर एडल्ट फीमेल कैटल होगा, बताइए। ओके, ऋतिक का आंसर आया है सी, ठीक है,
अर्जुन 20 करेक्ट। ओके गाइज, यार सेशन को लाइक भी करते रहो साथ साथ में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी फरवरी से बहुत ही अच्छी आईबीपीएस की न्यू सेशन के लिए क्लासेस होने वाली हैं। तो अगर आपको भी वो बहुत अच्छी क्लासेस अटेंड करनी है तो गाइज बिल्कुल उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो स्टूडेंट्स आज सेशन में आ रहे हैं, ठीक है। अजय 20 करेक्ट, अनिल पटेल 20 करेक्ट। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है। तो फीमेल पेरेंट ऑफ काल्फ किसके लिए बोलते हैं, फीमेल पेरेंट ऑफ काल्फ। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन काउ, तो काउ में पार्चुरेशन, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं, फरोइंग, लैम्बिंग, किडिंग एंड काल्विंग, बताइए। फरोइंग, लैम्बिंग, किडिंग एंड काल्विंग, बताइए गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन काउ, क्या बोलेंगे इसको बताइए, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन काउ, बताइए क्या बोलेंगे इसको, बताइए गाइज क्या बोलेंगे इसको, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन काउ, बताइए, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन काउ। हाँ बिल्कुल गाइज बिल्कुल सही बताया है, हाँ काल्विंग, काल्विंग। लैम्बिंग किस में बोलते हैं भाई, लैम्बिंग किस में बोलते हैं हम, लैम्बिंग बोलते हैं हम शिप में, ठीक है। लैम्बिंग, किडिंग, फरोइंग किस में बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाइज बिल्कुल सही बताया, काल्विंग, ठीक है बिल्कुल सही बताया। लैम्बिंग हम किस में बोलते हैं, शिप में बोलते हैं। फरोइंग हम किस में बोलते हैं, पिग में बोलते हैं। और किडिंग हम किस में बोलेंगे, गोट में बोलेंगे। और एक टर्म और होता है भाई इसका, हैचिंग, एक टर्म और होता है इसका हैचिंग, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, चिकन्स के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, चिकन्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये सारे टर्म यूज रख याद करने हैं आपको, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन में फरोइंग हो गया पिक के लिए, लैम्बिंग हो गया आपका शिप के लिए, किडिंग हो गया गोट के लिए, और काल्विंग हो गया काउ के लिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द भदावरी ब्रीड ऑफ बफेलो इज ऑल्सो नोन एज, तो भाई जो आपकी भदावरी ब्रीड है बफेलो की, इसको और किस नाम से जाना जाता है, कानपुरी, मैसूरी, जयपुरी एंड इटावा, बताइए क्या बोलेंगे इसके लिए। भदावरी बफेलो, ब्रीड ऑफ बफेलो इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे। मैम आज एफएसओ की क्लास नहीं है, एफएसओ की क्लास तो आई थिंक कल हो गई थी आपकी, एफएसओ की क्लास कल हो गई थी केशव, अच्छा आज 4 बजे होगी शायद, यार मुझे ध्यान नहीं है, अगर इवेंट लगा है तो डेफिनेटली होगी, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल भावना, जहाँ पर आपके आपने आंसर दिए यार, मैंने सबका नाम लिया, बिल्कुल बिल्कुल। ऋतिक 20 करेक्ट, कुलदीप 20 करेक्ट, ओके। हेमा, भावना 20 करेक्ट, ओके। प्रियंका 20 करेक्ट, वरुण, प्रियंका 20 करेक्ट, ओके ठीक है। दीपक, हाँ बिल्कुल गाइज बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी ने, तो चलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटावा, ठीक है। तो भदावरी ब्रीड जो है बफेलो की, उसको इटावा भी बोला जाता है। तो आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली इसके लिए इसका नेटिव प्लेस है, ठीक है, एमपी में आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी इज यूजुअली लाइट और कॉपर कलर, तो इसके कलर पे कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉपर कलर की बफेलो कौन सी है, ठीक है, कॉपर कलर की बफेलो कौन सी है। तो गाइज की आपकी कॉपर कलर की बफेलो होती है, ये क्वेश्चन इससे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आईलेट्स जनरली कॉपर और लाइट ब्राउन बफेलो, तो कॉपर और लाइट ब्राउन बफेलो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, तो बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड मेघालय, तो आपको यहाँ पर ये करेक्ट आंसर बताना है कि बीआरसी कहाँ पर है, बीआरसी मींस बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, करेक्ट आंसर बताइए इसके लिए क्या होगा, बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बताइए। हाँ बिल्कुल, फैट कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है, फैट कंटेंट भी हाईएस्ट है ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हेमा सी इज करेक्ट, प्रियंका सी इज करेक्ट, ओके। अरे अच्छा अच्छा आगरा, ओके ओके ओके, इटावा, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूपी स्टेट है, एमपी में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार, आगरा इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, अरे यही लिखा है एक्चुअली, शायद वो मैंने गलती से जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया, आगरा इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, अच्छा मैं ग्वालियर बोलना भूल गई, शायद ग्वालियर बोलना मैं भूल गई, वेरी सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो सही तो लिखा है, गलत नहीं लिखा है, आगरा एंड इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश एंड ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वो शायद मैंने जल्दी फ्लो में वो आपको बहुत जल्दी में मैंने वो बोल दिया, पर आपको दिख तो रहा है, देख लो उसको सही से, ठीक है। चलो तो बताइए कहाँ होगा आपका करेक्ट आंसर, गलत नहीं है, मैंने दिखा दिया सही आंसर, ठीक है। चलो
तो गाइज यहाँ पर बिल्कुल उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोकेशन ऑफ बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर, तो बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर जो है उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड की एक लोकेशन यानी कि भीमताल में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज लॉन्च्ड J&K पोल्ट्री पॉलिसी इन विच ईयर। तो भाई जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, उसने J&K पोल्ट्री पॉलिसी कौन से ईयर में लॉन्च करी थी? तो फटाफट से बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए 2016, 2017, 2019 या फिर 20, अब बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज लॉन्च J&K पोल्ट्री पॉलिसी इन विच ईयर, फटाफट से बताओ यार। हंसा बी इज करेक्ट, ओके। कुलदीप कुमार डी इज करेक्ट, प्रियंका डी इज करेक्ट, अनिल सी इज करेक्ट, ओके। प्रियंका देवी बी इज करेक्ट, ओके। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 2020, क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने स्टूडेंट डी आंसर करें उनका आंसर करेक्ट है। तो भाई 2020 में J&K ने ये पॉलिसी इन्होंने जनरली जो आपके पोल्ट्री प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए करी थी, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए जनरली इन्होंने यहाँ पर इसको यूज किया था, ठीक है, इसको स्टार्ट किया था, सॉरी। तो द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज प्रिपेयर्ड द J&K पोल्ट्री पॉलिसी 2020 एंड ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम टू बूस्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन इन रीजन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड द मेटिंग इन हॉर्स इज, तो भाई हॉर्स में मेटिंग के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? कपलिंग, सर्विंग, टपिंग एंड कवरिंग। अब मुझे बताइए गाइज हॉर्स में यहाँ पर आपका ये मेटिंग के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? कपलिंग यूज करेंगे, सर्विंग यूज करेंगे, टपिंग यूज करेंगे या फिर कवरिंग यूज करेंगे? बताइए गाइज करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बताओ बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए गाइस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेटिंग, हाँ बिल्कुल। तो हाँ हॉर्स के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? वेरी गुड। तो हॉर्स के लिए हम यूज करेंगे गाइस कवरिंग, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, कवरिंग। हॉर्स के लिए हम कवरिंग यूज करेंगे, ठीक है। टपिंग हम शिप में यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपका नबार्ड में आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन नबार्ड में आया था कि शिप में मेटिंग को क्या बोलते हैं, तो शिप में मेटिंग को बोलते हैं टपिंग, ठीक है, शिप में मैटिंग को बोलते हैं टपिंग, ठीक है। और जनरली अगर हम बात करते हैं गाइज नेक्स्ट की, ठीक है, जैसे सर्विंग है, तो सर्विंग हम किस में यूज करते हैं? तो सर्विंग हम यूज करते हैं बफेलो के लिए, ठीक है, बफेलो के लिए हम सर्विंग यूज करते हैं टर्म, ठीक है। इसके अलावा कैटल्स के लिए, मतलब जितने भी कैटल्स हैं उनके लिए भी सर्विंग होता है, ठीक है। गोट के लिए भी जनरली हम गोट के लिए भी सर्विंग यूज करते हैं, और कपलिंग होता है आपका पोर्क के लिए, ठीक है। तो ये सर्विंग जो है ये आपका कैटल्स यानी कि आपके ये काउ हो गया, बफेलो हो गया, इन सब के लिए, गोट के लिए भी यही यूज करते हैं, ठीक है, सर्विंग। और कपलिंग होता है आपका पोर्क के लिए, कपलिंग किसके लिए होता है? पोर्क के लिए। तो सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखिए, ठीक है। टपलिंग आपका किसके लिए? शिप के लिए है। कपलिंग है पोर्क के लिए, सर्विंग है आपका शिप के लिए, शिप के लिए, बफेलो के लिए, कैटल्स के लिए, और कवरिंग है हॉर्स के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनिशियल ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज नोन एज लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनेसिस, मिल्क लेट डाउन एंड इनवोल्यूशन। अब बताइए गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए गाइज। और यार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते रहना जो स्टूडेंट नए आए उन्होंने, ठीक है। चलिए इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज नोन एज, तो भाई मिल्क सिक्रेशन का इनिशिएशन क्या होगा बताइए। भावना कुमारी डी इज करेक्ट, प्रियंका ए इज करेक्ट, हंसा सी इज करेक्ट, ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल, कपलिंग पिक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। महेंद्र कुमार चौधरी सी इज करेक्ट, ओके, प्रियंका सी इज करेक्ट, हेमा ए इज करेक्ट, हंसा मिल्क लेट डाउन, ऋतिक सी इज करेक्ट, निमिषा सी इज करेक्ट, ओके। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोजेनेसिस, क्या बोलेंगे हम उसको, लैक्टोजेनेसिस। तो बेसिकली सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड एंड पीरियड ऑफ टाइम दैट मदर लैक्टेट टू फीड हर यंग वंस, ठीक है। चलो मैम टपिंग किसके लिए करते हैं? टपिंग होता है शीप के लिए, टपिंग होता है शीप के लिए, अभी तो बताया मैंने ये सारी चीजें, देखो यहाँ पर देखो टपिंग होता है आपका शीप के लिए, ठीक है, कालविंग होता है आप सॉरी कवरिंग होता है हॉर्स के लिए, और कपलिंग होता है आपका पोर्क यानी कि पिक के लिए, ठीक है, और इसके अलावा सर्विंग होता है आपका काउ हो गया, बफेलो हो गया और गोट हो गया, इन सब के लिए सर्विंग यूज करते हैं, ठीक है, ये टर्म्स याद रखना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रीड इज ऑल्सो नोन एज सेमी वाइल्ड ब्रीड, तो भाई ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसको हम सेमी वाइल्ड बोलते हैं बताइए? नीली रावी होगी, नागापुरी होगी, टोडा होगी या फिर मुर्रा होगी,
बताइए गाइस करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर, बताइए गाइस। ए दीपक का आंसर आया है ए, ठीक है। भावना का आंसर आया है सी, ओके। ऋतिक का भी आंसर आया है सी, ओके, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ गाइस, बोनी झांसी सी इज करेक्ट, ओके। तो वेरी गुड गाइस, जितने स्टूडेंट टोडा आंसर करें उन सभी का आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस की सेमी वाइल्ड ब्रीड की, ठीक है, सेमी वाइल्ड ब्रीड की बात करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी टोडा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी वाइल्ड टाइप ब्रीड लगती है और ये काफी ग्रिगेरियस नेचर की होती है, यानी कि मिलजुल कर रहना इसको पसंद होता है, ठीक है। अच्छा गाइस एक और है हमारी, रिवर के नाम से है उस ब्रीड का नाम, वो है आपकी नीली रावी, ठीक है। रावी रिवर के नाम पे है नीली रावी और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो आपका पंजाब है, क्योंकि रावी रिवर जो है ये आपकी ज्योग्राफी वाला पोर्शन आ गया थोड़ा सा। रावी रिवर कहाँ मिलती है, पंजाब में, जे एंड के में, इस तरफ मिलती है ना, तो पंजाब इसका ओरिजिन प्लेस है। हाँ जी बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। तो टोडा आपकी बिल्कुल कैसी ब्रीड है, ये आपकी इंडेंजर्ड ब्रीड है, वाइल्ड ब्रीड, सेमी वाइल्ड ब्रीड है और टोडा जो इसका नाम है वो ट्राइब की वजह से आया है, ठीक है, और ये नीलगिरी हिल्स में मिलती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रानी खेत इज कॉमन डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रानी खेत जो है किसकी कॉमन डिजीज है ये पूछा है, कैटल्स की है, गोट की है, शिप की है या फिर चिकन्स की है, बताइए। हाँ जी थैंक यू। कृष्णा वैली नीली, नहीं कृष्णा वैली नीली रावी, हाँ कृष्णा वैली भी बोल सकते हैं और नीली रावी भी बोल सकते हैं। नीली रावी बफेलो की ब्रीड है और कृष्णा वैली दूसरी ब्रीड है, ठीक है। चलो अब बताओ, हाँ पंजाब एंड सिंध, भावना ए इज करेक्ट, ओके। अनिल पटेल बी, डी इज करेक्ट। प्रियंका डी इज करेक्ट। बोनी झांसी डी इज करेक्ट। वेरी गुड गाइज, बिल्कुल। दिग्विजय, दामिनी, हेमा, अनिल, वरुण, ऋतिक, पायल, बिल्कुल सही बताया, चिकन्स, ठीक है। तो रानी खेत डिजीज किसकी है, ये जनरली चिकन्स की डिजीज है, ओके। चलो अब इसके लिए गाइज हम इसको न्यूकैस्टल एनसीडी भी बोलते हैं, यानी कि न्यूकैस्टल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जनरली वायरल इन्फेक्शन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस टाइप का इन्फेक्शन है, तो भैया आपका एक वायरल इन्फेक्शन होता है और ये वायरल इन्फेक्शन होता है आपका न्यूकैस्टल डिजीज वायरस की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज वायरल इन्फेक्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। तो डेसिकेटेड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, डेसिकेटेड मिल्क प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेटिंग वाटर कंटेंट एंड रिड्यूसिंग द बल्क टू अबाउट 70-75%। तो आपको ये बताना है कि इतना ज्यादा वाटर इवेपोरेट करके क्या बनाया जाता है, चीज बनाया जाता है, खोया बनाया जाता है, पाउडर्ड मिल्क बनाया जाता है या फिर घी बनाया जाता है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बताइए गाइस क्या होगा, जल्दी से बताइए। और यार साथ साथ में जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। यार लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं आज, ये गलत बात है। मैम फेज वन का रिजल्ट आया या नहीं कन्फर्म करो, फेज वन का रिजल्ट आ तो गया है, फेज वन का रिजल्ट, ये फेज वन का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट तो आ ही चुका है IBPS का, यार आ चुका है प्री का तो। ओके हंसा पाउडर मिल्क, ओके पायल गौतम सी इज करेक्ट, ओके पाउडर, ठीक है हंसा खोया, ओके और अजय सीवीवी क्या है, ओके वरुण खोया, दिग्विजय खोया, दामिनी खोया, ओके सारे स्टूडेंट खोया आंसर करें, बिल्कुल सही गाइस। खोया में आपका ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा जो वाटर है वो इवेपोरेट करा जाता है, यानी कि उसको उड़ा दिया जाता है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्कशायर ब्रीड ऑफ पिग बिलोंग्स टू, तो जो बर्कशायर ब्रीड है पिग्स की ये कौन से रीजन, यानी कि कौन से कंट्री को या किसको बिलोंग करती है, बताइए। इंडिया, इंग्लैंड, हैम्पशायर या फिर डेनमार्क, बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। बर्कशायर ब्रीड ऑफ पिग, बर्कशायर जो ब्रीड है वो पिग्स की ब्रीड है, तो ये बेसिकली किसको बिलोंग करती है ये आपको बताना है। इंडिया, इंग्लैंड, हैम्पशायर एंड डेनमार्क, बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। वेरी गुड हाँ वेरी, हैम्पशायर, ओके अच्छा, इट इज बिलोंग टू हैम्पशायर, ओके दामिनी सी इज करेक्ट, हैम्पशायर, सारे स्टूडेंट हैम्पशायर बोल रहे हैं, सी नेटिव बताना है, नेटिव बताना है, सी सी सी, सारे स्टूडेंट सी बता रहे हैं। तो बर्कशायर बेसिकली डोमेस्टिक ओरिजिन कहाँ है, इंग्लैंड का, यार बिलोंग्स टू बता रहा है, बिलोंग्स कहाँ किस चीज को बिलोंग करती है, तो हैम्पशायर क्या, हैम्पशायर भी तो आपकी एक ब्रीड है, हैम्पशायर किसकी ब्रीड है याद करो, और बर्कशायर मैं आपसे पूछ रही हूँ बिलोंग्स टू किसको बिलोंग कर रहा है, आप सभी सी आंसर कर रहे हो,
नहीं, सी आंसर नहीं होगा, इंग्लैंड होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, इंग्लैंड है, ठीक है। वेयर द अर्ली 19th सेंचुरी द नेम बर्कशायर बिकम सिनोनिम एंड इम्प्रूव्ड पिग स्ट्रेन बाय द डिफरिंग ओरिजिन एंड टाइप। तो बेसिकली ये एक इम्प्रूव्ड स्ट्रेन है जिसको नाम दिया गया बर्कशायर, ठीक है। ओके, तो ये चीज आप थोड़ा सा देखो गाइस कि आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ओके, अच्छा चलो मुझे एक चीज और बताओ गाइस कि पिग्स में, ठीक है, पिग्स में आपका जो मेल और फीमेल है उसको क्या बोला जाता है, पिग्स में मेल और फीमेल को क्या बोला जाएगा, हम मेल को क्या बोलेंगे, फीमेल को क्या बोलेंगे और किड को क्या बोलेंगे, बताइए उसके किड को क्या बोलेंगे, मतलब उसके बेबी को हम क्या बोलेंगे, बताइए फटाफट से, बताइए जल्दी से गाइस, हम उसके पिग को क्या, सॉरी हम उसके किड को क्या बोलेंगे, बताओ मेल फीमेल को क्या बोलेंगे, एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल को हम क्या बोलेंगे, बताइए। तो एडल्ट मेल को हम क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं, है ना, और सौ हम किसको बोलते हैं, फीमेल को बोलते हैं, ठीक है। किड को हम क्या बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं किड को, है ना, जो फीमेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल पिगलेट बोलते हैं, और जनरली मेल को हम क्या बोलते हैं, बोरलिंग बोलते हैं, बोरलिंग क्या बोलते हैं, बोरलिंग, क्योंकि बोर मेल के लिए यूज होता है, तो अल्टीमेटली बोरलिंग जो है मेल के लिए यूज होता है, बिल्कुल बिल्कुल गाइस। योगेंद्र हाँ अनिल बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है आप लोगों ने, पायल कुलदीप बिल्कुल सही आप लोग आंसर दिए, बोर बोर एंड, हाँ बिल्कुल बोर एंड सॉ, और कपलिंग इसमें क्या होता है, जनरली पार्चुरेशन का स्टेज होता है, ठीक है। ओके, और इसमें जनरली गाइज अगर हम पार्चुरेशन की बात करते हैं तो इसमें पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं, अभी बताया था मैंने आगे आपको, फरोइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फरोइंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें पार्चुरेशन को हम क्या बोलेंगे, फरोइंग बोलेंगे। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। तो नेटिव ऑफ होलिस्टन फ्रीजन विच इज एक्सोटिक ब्रीड इज, तो बेसिकली होलिस्टन फ्रीजन जो आपकी एक एक्सोटिक ब्रीड है, बेस्ट मिल्च ब्रीड है, इसका ओरिजिन प्लेस कहां पर है, नीदरलैंड है, स्कॉटलैंड है, स्विट्जरलैंड है या फिर इंग्लैंड है, तो बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल गाइस बिल्कुल सही बताया, फरोइंग, हाँ बिल्कुल सही बताया, फरोइंग इसका पार्चुरेशन हो जाएगा। ओके, और इसके मीट को क्या बोलते हैं ये भी बताओ साथ साथ में, इसके मीट को और इसके कैस्ट्रेटेड मेल को क्या बोलेंगे, कैस्ट्रेटेड मेल को क्या बोलेंगे बताओ, ये भी बता दो, जब इतनी चीजें आपने मुझे बता दी हैं तो इसके कैस्ट्रेटेड मेल को हम क्या बोलेंगे बताइए। हाँ तो इसका मीट होता है पोर्क, ठीक है, और इसके कैस्ट्रेटेड मेल को क्या बोलते हैं, हॉग, क्या बोलेंगे, हॉग, किसको, पिग्स के कैस्ट्रेटेड मेल को, ठीक है, हॉग बोलते हैं। ओके चलो, हॉलैंड नीदरलैंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऋतिक, हॉलैंड नीदरलैंड, ओके हंसा सी इज करेक्ट, ओके अनिल पटेल मटन, अच्छा मटन बोलेंगे हम पिग, अरे पिग का पोर्क होता है यार, हाँ बिल्कुल, हॉग इसका स्टेज होता है, ठीक है बिल्कुल सही बताया प्रियंका, हॉग इसका कैस्ट्रेटेड मेल जिसको बोलते हैं वो हॉग होता है, राइट, और इसका जनरली जो मीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोर्क बोलते हैं, ठीक है ध्यान रखना। ओके तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है। हॉलैंड अगर ऑप्शन में है तो आप हॉलैंड आंसर करोगे, और अगर नीदरलैंड है तो नीदरलैंड आंसर करोगे, ठीक है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पर जो आपका होलिस्टन फ्रीजन जो ब्रीड है, ठीक है, बेस्ट ब्रीड होती है, बहुत अच्छी मिल्च ब्रीड है, इसकी बॉडी में जनरली हम व्हाइट कलर का, व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर्स जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल नीदरलैंड हिस्ट्री, हाँ बिल्कुल नीदरलैंड से है ये ब्रीड, ठीक है, और नीदरलैंड हॉलैंड अगर आंसर में होगा तो आप हॉलैंड आंसर कर सकते हो, ठीक है, दोनों आंसर हो जाएंगे उसके, नीदरलैंड भी हॉलैंड भी, ठीक है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पर आपका जो होलिस्टन फ्रीजन ब्रीड है इसे बहुत सारी ब्रीड्स बनाई गई हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और इम्प्रूव्ड ब्रीड है, यानी कि बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, अगर आप ओवरऑल सारी काउस को कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज्यादा ये ब्रीड जो है ये सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द एडल्ट वेट ऑफ लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ब्रीड, तो भाई जो आपकी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ब्रीड है इसका वेट, एडल्ट वेट कितना होता है, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 500 and 500 to 700, तो अब बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल लोएस्ट फैट फाउंड 7000 kg मिल्क, बताइए अब, हाँ भावना बिल्कुल सही बताया है आपने, चलिए 600 kg लीटर, ओके ठीक है। करंट प्राइस क्रॉस ब्रीड बिल्कुल है भाई, करंट प्राइस होलिस्टन फ्रीजन की करंट प्राइस क्रॉस ब्रीड है, बिल्कुल है, ठीक है। अब बताइए 6000 लीटर, हाँ 6 to 7 ऑलमोस्ट 8 तक होता है ऑलमोस्ट रेंज इसका, ठीक है। हंसा सी इज करेक्ट, योगेंद्र 200 इज करेक्ट, ओके दीपक सी इज करेक्ट, ओके बताइए गाइस जो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर हैं इनका एडल्ट वेट कितना होता है। कुलदीप सी इज करेक्ट, दीपक सी इज करेक्ट, ओके ठीक है वेरी गुड, प्रियंका बी इज करेक्ट, तो गाइस यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 to 500, कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 300
300 to 500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस. ब्लैक क्वार्टर फीवर अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ब्लैक क्वार्टर फीवर किस में होता है, बर्ड्स में, काउ में, डॉग्स में या फिर शीप्स में, बताइए. ब्लैक क्वार्टर फीवर किस में होता है, बर्ड्स में होगा, काउस में होगा, डॉग्स में होगा या फिर शिप्स में होगा, बताइए. और गाइस साथ साथ में यार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करते रहो. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है गाइस. हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि अब न्यू ईयर में यानी कि 2023 में अभी IBPS के बाद आपकी बहुत ही अच्छी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है फरवरी से. तो बिल्कुल यार आप सभी को बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड करनी है और उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना होगा, है ना. पायल गौतम काओ, वरुण काओ, ओके, दामिनी, फिटनेस फ्रीक, हंसा, प्रियंका, अमन, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है काओ, ठीक है. तो बेसिकली ये जो ब्लैक क्वार्टर इन्फेक्शन है, अभी इसका सिम्टम में भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है. क्या होता है, जनरली हाइंड पार्ट जो होता है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है और धीरे धीरे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है. तो ब्लैक लेग या ब्लैक क्वार्टर का जो इन्फेक्शन है बेसिकली ये आपका काउस में होता है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है. ये एक टाइप का एनारोबिक और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है. कैसा बैक्टीरिया होगा, एनारोबिक एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है. यानी कि एयर की प्रेजेंस में ये नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे पीएच बढ़ता है वैसे इसकी ग्रोथ जो है वो खत्म होती जाती है, ठीक है. पीएच डिक्रीज होता है, सॉरी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस. तो थायरॉक्सिन, हाँ पीछे वाले, हाँ बिल्कुल पीछे वाले पर से लगड़ना, बिल्कुल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोसिन हेल्प इन इंक्रीज द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड डिक्रीज ब्लड कैल्शियम रेस्पेक्टिवली आर रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड एंड किडनी. तो गाइस अब यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन. थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन हेल्प्स इन, किस में हेल्प करती है, इंक्रीज द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म. भाई सेलुलर मेटाबॉलिज्म के रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करती है एंड डिक्रीज ब्लड कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज करती है. तो बेसिकली ये कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी रिलीज करेगी, थायरॉयड रिलीज करेगी या फिर पैराथायरॉयड रिलीज करेगी या फिर किडनी, बताइए. हाँ ये अलग सा नाम किसका है, ओके, अनिल पटेल, सी इज करेक्ट, ओके, वरुण, बी इज करेक्ट, ओके, पायल, बी इज करेक्ट, ठीक है गाइस. बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा. अरे सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो, ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है सभी ने, ठीक है. चलिए ओके, तो गाइस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन. बेसिकली थायराइड ग्लैंड से ये सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जो जनरली आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन डिक्रीज करते हैं और साथ ही साथ ये जनरली सेलुलर मेटाबॉलिज्म के रेट को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है. तो बेसिकली दीज आर रिलीज बाई दी थायरॉयड, ये किससे रिलीज होते हैं, थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, क्लियर बात. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियास एंड लोअर ब्लड शुगर लेवल इज ग्लाइकोजन, इज इंसुलिन, इज एपिनेफ्रिन और रिलैक्सिन. तो गाइस अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियास एंड लोअर ब्लड शुगर लेवल. तो अब बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा या इंसुलिन होगा या फिर एपिनेफ्रिन होगा या फिर रिलैक्सिन होगा, बताइए. और यार सेशन में लाइक और शेयर करते रहो साथ साथ में, ठीक है, ये शेयर करते रहो यार सेशन को, इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, इतने अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, बताओ सबको अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं यार, बिल्कुल सेशन को शेयर करते रहो, है ना. पायल गौतम, ओके, ग्लाइकोजन, ओके, बी इज करेक्ट, हेमा, योगेंद्र, इंसुलिन इज करेक्ट, फिटनेस फ्रीक, इंसुलिन इज करेक्ट, पायल, ग्लूकागन, ओके, अच्छा, ऋतिक नांगरे, बी इज करेक्ट, ओके, ठीक है, दामिनी, बी इज करेक्ट, हंसा, ए इज करेक्ट, दिग्विजय, इंसुलिन, ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंसुलिन आंसर करें. तो भाई पैनक्रियास से जो शुगर लेवल को मेंटेन करने वाला होता है वो हमेशा इंसुलिन होता है, ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं ना शुगर पेशेंट को इंसुलिन की कमी हो गई है, ठीक है, या इंसुलिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है. तो बेसिकली इंसुलिन हार्मोन यहाँ पर क्या करता है, शुगर लेवल को बैलेंस करता है, और अगर बेसिकली इसकी अमाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो अल्टीमेटली तब जनरली डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है, क्लियर बात. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. तो वेलोइंग इज अ कॉमन बिहेवियर ऑफ, वेलोइंग कौन करता है, काउ करेगी, बफेलो करेगी, गोट करेगी या फिर शिप करेगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
फटाफट से आंसर कीजिए गाइस, और यार लाइक और शेयर जरूर करते रहो सेशन को, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करना सभी ने सेशन को। चलिए अब बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा। वेलोइंग इज अ कॉमन बिहेवियर ऑफ, वेलोइंग किसका कॉमन बिहेवियर है बताइए मुझे, वेलोइंग जो है किसका कॉमन बिहेवियर है बताइए, वेलोइंग जो है किसका कॉमन पीरियड सॉरी किसका ये कॉमन बिहेवियर है बताइए। बफेलो ओके, महेंद्र फिटनेस फ्रीक भैंस का ओके ठीक है, कुलदीप कुमार 20 करेक्ट, विश्व चौधरी 20 करेक्ट, अनिल 23 करेक्ट, पायल दिग्विजय, प्रियंका हेमा अनिल वेरी गुड वेरी गुड गाइस, हंसा हाँ बिल्कुल दिग्विजय फिटनेस फ्रीक, कुलदीप मड में बिल्कुल सही, बफेलो का नेचर है, किसका है बफेलो का। अब देखो वेलोइंग होता क्या है, तो आपने गर्मी के टाइम पे भैंस को लोटते हुए देखा होगा कीचड़ के पानी में, है ना, पानी में बिल्कुल लोटते हुए उसको देखा होगा मड में, तो बेसिकली ये नेचर जो होता है बफेलो और पिग्स दोनों में होता है, एक्चुअली ये पिग्स में भी होता है ठीक है। आप पिग्स को भी देखोगे तो वो गली के किनारे क्या करते रहते हैं, जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट हो जाती है क्योंकि उनका जो स्किन होता है, पिग्स की स्किन में हेयर्स बहुत कम होते हैं, तो बहुत जल्दी जल जाते हैं धूप से। कुछ ब्रीड्स ऐसी भी होती है पिग्स की जो सन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ठीक है, तो बेसिकली इन ब्रीड्स ये ब्रीड्स क्या करती हैं कि पानी में लोटती रहती है कीचड़ के पानी में, तो उससे उनकी बॉडी से हीट लॉस होता है और उन्हें रिलैक्स फील होता है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गाइस वेलोइंग। क्या बोलेंगे? वेलोइंग बोलेंगे इस प्रोसेस को हम ठीक है। तो बेसिकली गाइस जो ये वेलोइंग का प्रोसेस है ये जनरली किसमें होता है? बफेलो में होता है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बफेलो मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स, तो भाई कौन कौन से मिनरल्स का रिच सोर्स होता है बताइए बफेलो मिल्क। आयरन कॉपर फॉस्फोरस कॉपर कैल्शियम एंड आयरन एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बताइए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। बफेलो मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ, तो गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, बफेलो मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ, बफेलो मिल्क किसका रिच सोर्स होता है, बेसिकली कौन से मिनरल्स का रिच सोर्स होता है बताइए, आयरन एंड कॉपर का होगा या फिर फॉस्फोरस एंड कॉपर का होगा, कैल्शियम एंड आयरन का होगा या फिर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का होगा, तो करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा बताइए फटाफट से बताइए गाइस। ओके बोनी झांसी डीज करेक्ट, हंसा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दीपक ऋतिक हंसा वेरी गुड गाइस बिल्कुल सही बताया है, हाँ सारे मैक्सिमम स्टूडेंट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आंसर करें तो बिल्कुल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो भाई जितने भी स्टूडेंट आंसर डी करें उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्यूबर्टी इन पिग्स कम्स इन द ईयर, तो भाई पिग्स में प्यूबर्टी कितने ईयर में आती है, वन ईयर में, 1 to 1.5 ईयर में, 6 to 9 मंथ में या फिर 16 to 19 मंथ में, प्यूबर्टी कितने मंथ में आती है बताइए, जिसमें ईयर लिखा है उसमें ईयर में और जिन जहां पर मंथ लिखा है वो मंथ भी आपके करेक्ट है, तो आप मुझे ये बताइए कि पिक्स में कितने टाइम पे जनरली प्यूबर्टी आती है बताइए, कितने टाइम पे पिक्स में प्यूबर्टी आती है बताइए। सी पायल गौतम का आंसर आया है सी, ओके दीपक का भी आंसर आया है सी, अमन का आंसर आया है बी, भावना ने डी आंसर किया ओके, हंसा ने भी सी आंसर किया, फिटनेस फ्रीक ने बी आंसर किया ओके, 6 to 9 मंथ, महेंद्र वेरी गुड गाइस बिल्कुल सही बताया, जितने स्टूडेंट सी आंसर करें उनका आंसर सही है ठीक है। वैसे तो जनरली हम एग्जैक्ट अगर आपसे पूछे 8 to 10 दे दे तो 8 to 10 भी करेक्ट है, 8 to 10 मंथ भी करेक्ट है ठीक है, 8 से 10 महीने, 8 से 10 महीने ये क्या होता है प्यूबर्टी पीरियड होता है किसका पिग्स का, और सेम यही प्यूबर्टी 8 से 10 महीने यही प्यूबर्टी पीरियड गोट का भी होता है, किसका होता है गोट का होता है, तो ध्यान रखिएगा गोट और पिग इन दोनों का प्यूबर्टी पीरियड सेम होता है। अच्छा गाइस अगर मैं आपसे कैटल्स का पूछूं कैटल्स का प्यूबर्टी पीरियड कितना होता है भाई, तो कैटल्स का प्यूबर्टी पीरियड कितना हो जाएगा, काउस का प्यूबर्टी पीरियड जो है ये 24 से 30 महीने होता है, कितना होता है 24 से 30 महीने यानी कि 24 to 30 मंथ ठीक है, यानी कि 2 साल हो गया ऑलमोस्ट ठीक है। वहीं अगर हम बफेलोस की बात करते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि बफेलोस का कितना है प्यूबर्टी पीरियड तो कितना हो जाएगा 28 से 30 महीने, कितना हो जाएगा 28 से 30 महीने, क्लियर समझ में आ रहा है 28 to 30 मंथ ठीक है 28 से 30 महीने। अच्छा अगर हम शीप की बात करते हैं तो भाई शीप का कितना है प्यूबर्टी पीरियड, शीप का कितना हो जाएगा प्यूबर्टी पीरियड बताओ,
शीप का प्यूबर्टी पीरियड कितना होगा? तो एक्चुअली में शीप का जो प्यूबर्टी पीरियड होगा गाइस, यानी कि मैच्योरिटी टाइम जो होगा फीमेल्स का, तो इनका प्यूबर्टी, शीप्स का प्यूबर्टी पीरियड होता है जनरली 9 से 14 महीने। कितना हो जाएगा? 9 टू 14 मंथ। कितना हो जाएगा गाइस? 9 टू 14 मंथ हो जाएगा। क्लियर बात। इसके अलावा अगर हम कैमल की बात करते हैं, कैमल्स की बात करते हैं, तो कैमल्स में काफी ज्यादा होता है, कैमल्स में होता है 30 मंथ से ज्यादा होता है, यानी कि 36 टू 45 या इससे ज्यादा भी होता है, ठीक है, 36 टू ऑलमोस्ट 45 मंथ में, ठीक है, फॉर 36 टू 45 मंथ में, ठीक है। हाँ बिल्कुल गाइस, बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। चलो तो देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हमने कैटल्स का देखा, काउज वगैरह का कितना होता है, 24 से 30 महीने है, ठीक है, प्यूबर्टी पीरियड। उसके बाद बफेलो का है 28 से 30 महीने प्यूबर्टी पीरियड। देन उसके बाद गोट का और ये पिक्स का है 8 से 10 महीने प्यूबर्टी पीरियड। नोट कर लीजिए इसको, ये काम आएगा आपके। और कैमल्स का होता है 45 टू 48 तक रहता है, ठीक है। और शिप का होता है 9 से 14 महीने, ठीक है, ओके। अच्छा गाइस, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके गेस्टेशन पीरियड कितना होता है पिग्स का? आप मुझे ये बताइए कि पिग्स का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, फटाफट से गाइस। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो पिग्स का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? तो भाई ये होता है आपका 114 दिन। कितना होता है गेस्टेशन पीरियड? 114 दिन, ठीक है। ऐसे ही हम बफेलो का भी देखेंगे, काउ का भी देखेंगे, ठीक है, बफेलो काउ का देखेंगे, गोट का देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी गेस्टेशन पीरियड भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले कैटल्स का, काउस का अगर हम देखें तो अराउंड कितना होता है? 282 के अराउंड होता है। बफेलोस का कितना होता है? 310 डेज तक होता है लगभग, ठीक है, 310 टू 16 डेज तक होता है, ठीक है। गोट का अगर हम देखेंगे तो गोट का 150 तक होता है, गोट का लगभग 150 या 155 के अराउंड होता है, और ये 310 से 319 तक चला जाता है, 310 से 319 तक चला जाता है। बिल्कुल सही बताया है, हाँ बिल्कुल महेंद्र, हंसा, कुलदीप, बोनी झांसी, बिल्कुल सही बताया है गाइस, हाँ बिल्कुल। तो पिक्स का होता है 114 दिन, ठीक है, बफेलो का होगा 310 या 310 टू 314 तक, काउ का हो जाएगा 282 और गोट का हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका 150, ठीक है। और शीप का हो जाता है इससे थोड़ा सा कम, 148। शीप का कितना हो जाएगा? 148। तो गाइस ये गेस्टेशन पीरियड जरूर याद रखिएगा, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मे भी अगर गेस्टेशन पीरियड से क्वेश्चन आ गया तो आपको आना चाहिए। बिल्कुल बोनी झांसी, 315, 283, वेरी गुड, एंड 150, बिल्कुल सही बताया। और यहाँ पर शिप का भी याद कर लो, शिप का कितना है? ऑलमोस्ट 148 है। क्लियर बात। अच्छा गाइस, कैमल का भी मैं आपको बता देती हूँ। तो कैमल का इनमें से सबसे ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 391 होता है। कितना होता है? 391 हो जाएगा। कैमल का भी देख लो, तो कैमल का होता है ऑलमोस्ट 391, ठीक है। अच्छा गाइस, इसके साथ में मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, इनका हीट पीरियड भी देख लीजिए। हीट पीरियड, अच्छा मुझे ये बताइए इनका हीट पीरियड कितना कितना होता है? काउ का, बफेलो का, लेंथ ऑफ हीट पीरियड इनका कितना होता है, ये भी बता दीजिए आप लोग मुझे साथ साथ में, ठीक है। व्हाट अबाउट द हीट पीरियड? हीट पीरियड कितना कितना होता है इनका, बताइए। हीट पीरियड, तो हीट पीरियड कितना होगा भाई? काउ का कितना होगा, ठीक है, बफेलो का कितना होगा, गोट का कितना होगा, शीप का कितना होगा, बस मुझे इतना बता दो बस मुझे, इनका हीट पीरियड बता दो आप लोग मुझे। काउ का, बफेलो का, मतलब इनके पास हीट पीरियड की लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन दे दूं? बिल्कुल गाइस, यहाँ पर देखो ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास। देखो 18 घंटे ऑलमोस्ट क्या होता है, 18 घंटे ऑलमोस्ट ये आपका रहता है कैटल्स में, ठीक है, 18 घंटे रहेगा कैटल्स में। फीड के क्वेश्चन है बिल्कुल है, बाद में है, अभी थोड़ी देर बाद है, थोड़ा वेट कर लो, इसके बाद फीड के क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, ठीक है, सारे क्वेश्चन है। 2 से 4 शीप गोट, अच्छा 2 टू 4 शीप गोट, अच्छा ठीक है 2 टू 4 या 24 है? हंसा क्या लिखा आपने, 2 टू 4 या 24? अच्छा ओके, बफेलो का होता है 24 घंटे, काउ का हो जाएगा 18, 2 टू 3 कितना हो जाएगा? 2 टू 3 डेज, ये तो आर्स में हो गया, ये दोनों आ गया आपका आर्स में। गोट का कितना होता है? 2 टू 3 डेज होता है, ठीक है। और जनरली अगर हम शिप की बात करते हैं गाइस, तो शिप का होता है ऑलमोस्ट 1 से 3 दिन। कितना होता है? 1 से 3 दिन शिप का होता है, 1 से 3 दिन शिप का होता है, 1 से 3 दिन। अच्छा पिक्स का कितना होगा बताओ? हाँ 24 बफेलो का,
बिल्कुल बिल्कुल सही बताया है, हाँ बिल्कुल सही बताया है। पिक्स का कितना हो जाएगा, तो 1 से 5 दिन, कितना हो जाएगा 1 से 5 दिन। तो गाइज ये हीट पीरियड आपको याद रखना है, हीट पीरियड का लेंथ। काऊ का कितना है, तो काऊ का 18 घंटे है, बफेलो का 24 घंटे है, ठीक है। गोट का कितना है, तो 2 से 3 दिन है। दिन ये देखो किसमें मैं आवर्स बोल रही हूँ, किसमें मैं डेज बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद गोट का हमने देख लिया, शिप का है 1 to 3 days, ठीक है, और डेज होगा ये, ठीक है, 1 to 3 days। एंड पिग्स का देखेंगे तो 1 to 5 days। तो ये इनका क्या होता है, हीट पीरियड का लेंथ रहता है। अच्छा 2 to 3 days, ओके, किसका बताया आपने, 2 to 3 days गोट का ना, बिल्कुल 2 to 3 days गोट का है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका हीट पीरियड का लेंथ होता है, ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ हीट पीरियड, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शीप ब्रीडिंग डिपेंड्स मेनली ऑन, शीप ब्रीडिंग किस चीज पे डिपेंड करती, सीजन, एज, एनवायरमेंट एंड नन ऑफ दीज, बताइए गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। शीप ब्रीडिंग डिपेंड्स अपॉन, शीप ब्रीडिंग किस किस पे डिपेंड करती, हाँ 1 to 5, बिल्कुल बिल्कुल, पिग्स का हो जाएगा 1 to 5, ठीक है गाइज। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिए जितने पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो अब बताइए मुझे गाइस, शीप ब्रीडिंग डिपेंड्स अब मेनली ऑन, शीप ब्रीडिंग किस किस चीज पे डिपेंड करता है, फटाफट से बताइए गाइस। और यार साथ साथ में सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो, इतना अच्छा सेशन हमारा चल रहा है। बताओ मैम बफेलो का 21 days, देखो बफेलो 21 to 24 days, 21 days नहीं होगा यार, 24 hours है बफेलो का, एक बार आप चेक करना अपना, 24 hours होता है, मैंने आवर्स बताया था। काऊ और बफेलो में मैंने आवर्स बताया है, 18 hours काऊ का और 24 hours बफेलो का, ठीक है। बोनी झांसी ए इज करेक्ट, सीजन, ऋतिक ए इज करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। दीपक और हंसा दोनों ने सीजन आंसर किया, बिल्कुल गाइस ये सीजनल ब्रीडर होता है, ठीक है, सीजनल ब्रीडर होता है। तो शीप ब्रीडिंग किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। तो वी कैन से दिस ये क्या है, सीजनल ब्रीडर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिंगिंग प्रैक्टिस्ड इन, रिंगिंग को हम किस में प्रैक्टिस करते हैं, शीप में, गोट में, कैमल में या फिर पोल्ट्री में, बताइए। रिंगिंग प्रैक्टिस्ड इन, बताइए गाइस क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। रिंगिंग प्रैक्टिस्ड इन, रिंगिंग को हम किस में प्रैक्टिस करते हैं भाई, बताइए। रिंगिंग को हम किस में प्रैक्टिस करते हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीजन बिल्कुल करेक्ट बताया भावना आपने, बिल्कुल सही बताया। चलिए अब मुझे ये बताइए, रिंगिंग प्रैक्टिस इन, रिंगिंग को हम किस में प्रैक्टिस करते हैं, बताइए। शीप में, गोट में, कैमल में या फिर पोल्ट्री में, बताइए। आंसर होगा सीजन, हाँ 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 बिल्कुल सही आंसर सीजन है, बिल्कुल है। चलो साइमा सी इज करेक्ट, ओके, सुजीत ए इज करेक्ट, हेमा पोल्ट्री इज करेक्ट, ओके, रिंगिंग हम ओके ठीक है पोल्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा। और यार साथ साथ में सेशन को लाइक और शेयर करते रहो, ठीक है, लाइक और शेयर करते रहो, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, ठीक है। दिग्विजय गोट इज करेक्ट, ओके वेरी गुड, ठीक है। चलो बाकी स्टूडेंट्स बताओ भाई। अमित कुमार हाँ जी, रिंगिंग कौन से एनिमल्स में करते हैं, रिंगिंग कौन से एनिमल्स में करते हैं ये पूछा पायल गौतम, पोल्ट्री। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी शीप, दैट विल बी शीप, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हीट इन कैमल इज नोन एज, कैमल में हीट किसको बोलते हैं, ये सॉरी हीट इन कैमल, कैमल में जो हीट है उसको क्या बोलते हैं, मुस्त, हीट, गोला एंड पाली, अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। आपने देखा होगा कुछ में हॉर्न्स में रिंगिंग करते हैं, इनके हॉर्न्स में जनरली एनिमल्स के हॉर्न्स में ना रिंगिंग होती है, एक टाइप की रिंग्स बनती है इनके हॉर्न्स में, देखिए आपने। चलो गाइज ये बताइए जल्दी से, जो आपकी हीट इन कैमल इज, हीट इन कैमल इज क्या बोलेंगे इसको, बताइए गाइज करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। हीट इन कैमल क्या बोलेंगे इसको, मुश्त, मुश्त, ओके ठीक है, ए इज करेक्ट, मुश्त, अजय, हंसा, सुजीत, सी, साइमा, ए इज करेक्ट। अच्छा ऐसी बात है क्या, बिल्कुल बिल्कुल यार, ठीक है फिर तो, हाँ बिल्कुल, मैं इतनी देर से आप लोगों का नाम ले ही रही हूँ। हंसा नहीं, क्या नहीं, मुश्त नहीं है, तो बिल्कुल गाइज मुश्त सही आंसर है, ठीक है मुश्त हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। तो गेस्टेशन पीरियड ऑफ हॉर्स इज, हॉर्स का गेस्टेशन पीरियड कितना है, 336, 310, 140 एंड 145। तो अभी मैंने आपको मैक्सिमम के बता दिए, हॉर्स का नहीं बताया था, ठीक है। अब बताइए मुझे क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। शीप में करते हैं या शिप में करते हैं रिंगिंग, आपने शिप के हॉर्न्स में रिंग्स वगैरह बनती हुई देखी होंगी, ठीक है। तो जितने ईयर का वो होता है ना उतनी रिंग्स बनती जाती हैं उसके हॉर्न्स में, जितने ईयर के एनिमल्स होते हैं ना उतनी ही रिंग्स बनती जाती हैं उनमें, ठीक है। मुस्त भावना, मुस्त आंसर होगा। वरुण 336, ओके,
अमित ए इज करेक्ट, ठीक है, कुलदीप ए इज करेक्ट, दिग्विजय 336, सुचित, दीपक, अजय, हंसा, पायल, अमित, वेरी गुड गाइस, हाँ 336 बिल्कुल सही बताया, क्योंकि 310 किसका है, 310 तो बफेलो का है, ठीक है, और हॉर्स का तो डेफिनेटली ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली गेस्ट्रेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो 336 क्या हो जाएगा, इट विल बी द गेस्ट्रेशन पीरियड ऑफ हॉर्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 336। तो आप सबके गेस्ट्रेशन पीरियड याद हो गए, काउ का, बफेलो का, गोट का, शीप का, एंड पिग्स का, एंड हॉर्स का, तो इन सब के याद हो गए ना, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच पार्ट लैकिंग इन अ स्टमक ऑफ कैमल, तो भाई कैमल के स्टमक में ऐसा कौन सा पार्ट है जो लैक करता है, एबोमैसम हो जाएगा या फिर आपका ओमैसम हो जाएगा, रूमेन हो जाएगा या फिर ऑल होगा, करेक्ट आंसर बताइए गाइस क्या होगा। अच्छा पहले मैं बोली थी, हाँ बिल्कुल साइमा सही बताया आपने, चलो हाँ अब बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, विच पार्ट लैकिंग इन द स्टमक ऑफ कैमल, कैमल के स्टमक में कौन सा पार्ट लैक करता है बताइए गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आपने जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, और साथ में यार लाइक और शेयर जरूर कर दो, इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, बताओ हमने गेस्ट्रेशन पीरियड और बहुत सारी चीजें हमने लेंथ ऑफ हीट और इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है ना। चलो हेमा सी इज करेक्ट, ओके अजय डी इज करेक्ट, सुजीत सी इज करेक्ट, ओके हंसा बी इज करेक्ट, ऋतिक डी इज करेक्ट, ओके। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओमासम, ठीक है, तो बी जितने स्टूडेंट कह रहे हैं बी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मोस्ट कॉमन ग्रास फॉर एनिमल फीडिंग इन राजस्थान, तो अब फीड के क्वेश्चन आ गए बोनी झांसी हैप्पी। चलो तो मोस्ट कॉमन ग्रास फॉर एनिमल फीडिंग इन राजस्थान, सिवान, धमन, बोर एंड मकरा ग्रास, अब बताइए राजस्थान में एनिमल्स को फीड कराने के लिए कौन सा ग्रास यूज करा जाता है बताइए, हाँ नॉन रूमिनेंट एनिमल, बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, मोस्ट कॉमन ग्रास फॉर एनिमल फीडिंग इन राजस्थान, राजस्थान में एनिमोस्ट ऐसा कौन सा फीड है जो ऐसा कौन सा ग्रास है जो जनरली एनिमल्स को फीड कराया जाता है, वेरी गुड बताइए। अजय कुशवाहा ए इज करेक्ट, साइमा बी ए इज करेक्ट, ओके अमित ए इज करेक्ट, पायल ए इज करेक्ट, ओके भावना एबोमैसम नहीं होगा ओबामैसम होगा, ओके तो चलो गाइज इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिवोन, ठीक है, तो शिवन बेसिकली आपका वो ग्रास होता है जो एनिमल फीडिंग के लिए राजस्थान में यूज करा जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग काउ शो इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन, भाई ऐसी कौन सी काउ है जो इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन शो करती है, दियोनी, साहिवाल, रेड सिंधी एंड खिलेरी, बताइए कौन सी ऐसी काउ है जो इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन शो करती है, हंसा यादव फ्रॉम राजस्थान, अच्छा चलो वेरी नाइस, आपको तो पता होना चाहिए था फिर वहां पे कौन सी ग्रासेस को यूज करते हैं, चलो अगर नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस, कौन सी काउ है जो बहुत ही इंटेलिजेंट से फेशियल एक्सप्रेशन देती है, बोरी झांसी सी इज करेक्ट, वेरी गुड, हेमा सी इज करेक्ट, ओके भावना, शिवान, साइमा शी इज करेक्ट, ओके ऋतिक शी इज करेक्ट, कुलदीप कुमार सी इज करेक्ट, सुजीत सी इज करेक्ट, ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। गाइस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो यार, ठीक है, तो गाइस रेड सिंधी, ठीक है रेड सिंधी, तो जितने स्टूडेंट सी आंसर करें उन सभी क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन आपके अभी के टाइम पे आईबीपीएस एफओ में आ रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली रेड सिंधी जो है ये क्या करती है, इंटेलिजेंट से फेशियल एक्सप्रेशन शो करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेड सिंधी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेटिव प्लेस ऑफ आया शायर, अच्छा पता है मैम शिवन, चलो बहुत अच्छी बात है, फिर आपने आंसर क्यों नहीं दिया शिवन। चलो नेटिव प्लेस ऑफ आया शायर, तो आया शायर ब्रीड का नेटिव प्लेस कहाँ है, जापान है, स्कॉटलैंड है, स्विट्जरलैंड है या फिर इंग्लैंड है, अब बताइए गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आया शायर ब्रीड का नेटिव प्लेस कहाँ पर है बताइए, इसका नेटिव प्लेस आपको बताना है, फटाफट से बताइए गाइज फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बोनी झांसी बीस करेक्ट, ओके मुस्कान सीज करेक्ट, हेमा सीज करेक्ट, ऋतिक बीस करेक्ट, ओके सुजीत बीस करेक्ट, वरुण स्कॉटलैंड,
कुलदीप पायल, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी स्कॉटलैंड। ठीक है, तो इस आयरशायर ब्रीड का, ठीक है, आयरशायर जो ब्रीड है ये भी याद रखो कि आयरशायर ब्रीड किसकी है, काउ की ब्रीड है। ये किसकी ब्रीड है, काउ की ब्रीड है। और इस ब्रीड को क्या बोला जाता है, ब्यूटीफुल डेयरी काउ भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होती है। ठीक है, तो इसको ब्यूटीफुल डेयरी काउ भी बोला जाता है। इसी के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है। तो बेसिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट, हाँ बिल्कुल, मोस्ट ब्यूटीफुल काउ बिल्कुल होती है, बहुत ही खूबसूरत सी होती है। अगर आप इसका पिक्चर देखोगे तो इसमें व्हाइट और ब्लैक और व्हाइट कलर दोनों आपको दिखाई देगा, हल्का ब्राउनिश सा। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी काउ ये लगती है। और बेसिकली इसको, हाँ बिल्कुल, ब्यूटीफुल बट डिफिकल्ट टू हैंडल, तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, तो ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है क्योंकि इसका फीचर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग काउ प्रोड्यूसिंग स्वीटेस्ट मिल्क, तो ऐसी कौन सी काउ है जो स्वीटेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करती है, बताइए। गिर, साहिवाल, सिंधी एंड अमृत महल। अब बताइए गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस क्या होगा। भावना कुमारी 20 करेक्ट, वेरी गुड, ओके। चलिए और गाइस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहना, ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जो स्टूडेंट्स आज आ रहे उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना साथ साथ में। चलो साहिवाल, ओके, विश्व चौधरी, दीपक, हेमा, साहिवाल, ओके, साइमा, पायल, मुस्कान, कुलदीप, प्रियंका, भावना, वेरी गुड, वेरी गुड, सुजीत, हाँ वेरी गुड गाइस। जितने स्टूडेंट ने बी आंसर किया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, साहिवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो अगर हम स्वीटेस्ट मिल्क की बात करते हैं, यानी कि मीठे दूध की बात करते हैं, स्वीटेस्ट मिल्क की अगर हम बात करते हैं, तो स्वीटेस्ट मिल्क कौन प्रोड्यूस करेगी, साहिवाल। ठीक है, साहिवाल जो है ये जनरली स्वीटेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करती है, क्लियर बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग बफेलो हैव द स्वीट स्वॉर्ड शेप्ड हॉर्न्स, तो कौन सी ऐसी बफेलो है जिसके पास स्वॉर्ड शेप्ड हॉर्न्स है, बताइए। सूरती, जफरावादी, भादावरी एंड नागापुरी, बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बफेलो हैव द स्वॉर्ड शेप्ड हॉर्न्स, तो भाई स्वॉर्ड शेप्ड हॉर्न्स कौन सी बफेलो के पास होंगे, बताइए। सूरती के पास है या फिर भदावरी के पास है, जफरावादी के पास है या फिर नागापुरी के पास है, फटाफट से बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, हेमा का आंसर सबसे पहले आया, नागपुरी, बोनी झांसी, डी, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बताइए बताइए फटाफट से बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। हां जी, वेरी गुड, वेरी गुड, हंसा, डी इज करेक्ट, अजय, डी इज करेक्ट, कुलदीप, वरुण, ऋतिक, अमित, पायल, नागापुरी, नागापुरी, वेरी गुड गाइस, बिल्कुल सही आप सभी ने आंसर किया है, नागापुरी ब्रीड। ठीक है, नागापुरी ब्रीड, क्योंकि सूरती के कैसे होते हैं, सूरती के होते हैं शिकल शेप्ड। ठीक है, भदावरी ये तो हमारी हैवी ब्रीड है, कॉपर शेप ब्रीड, जिसको मेटावा भी बोलते हैं। जफरावादी, इसके ड्रूपिंग हॉर्न्स होते हैं, नीचे की तरफ लटके हुए हॉर्न्स होते हैं, तो इसको जाना जाता है ड्रूपिंग हॉर्न्स के लिए, यानी कि इसके हॉर्न्स इसकी बॉडी से नीचे लटकते रहते हैं, और इसके हॉर्न्स काइंड ऑफ कुछ ऐसे होते हैं तलवार की तरह, पीछे की तरफ होते हैं लेकिन इस तरीके से तलवार की तरह होते हैं, जैसे तलवार होती है ना, बिल्कुल। तो स्वॉर्ड शेप हॉर्न्स जो होते हैं जनरली वो आपके तलवार की तरह दिखाई देते हैं, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, ठीक है, वो नागापुरी में होते हैं। शिकल शेप यानी कि दराती की तरह, इस तरीके से दराती ऐसी होती है ना लगभग, ऐसे हॉर्न्स जो होते हैं जनरली ये सूरती में दिखाई देते हैं, और भदावरी तो हमारी हैवी ब्रीड हो गई, और जफरावादी में ड्रूपिंग हॉर्न्स होते हैं नीचे लटके हुए। ठीक है, नहीं मैम मैंने पहले दिया था, अच्छा प्रियंका आपने पहले दिया था, चलो वेरी गुड, हाँ भावना आपका आंसर भी मैंने देख लिया, नागपुरी, चलो वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सीरी मोस्टली फाउंड इन दार्जिलिंग, राजस्थान, जे एंड के एंड ए एंड पी, तो बताइए सीरी मोस्टली कहाँ पर मिलती है, बताइए गाइस इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बताइए। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्यारा पॉइंट और बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट और बताने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए गाइस, सीरी मोस्टली फाउंड इन, एक सडनली मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, पहले आप इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए। सीरी मोस्टली फाउंड इन, सीरी कहाँ पर मिलती है ज्यादातर, दार्जिलिंग, राजस्थान, जे एंड के एंड ए एंड पी, एप्पल आईफोन, क्या एप्पल आईफोन, बी, ओके, एपी, ओके एपी, ऋतिक, साइमा, बी, ओके। तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अच्छा गाइज एक चीज और है, एक देखो विनिंग की कौन कौन सी एज होती है, विनिंग की हर एनिमल की अपनी अपनी एज होती है। पहले विनिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो विनिंग का जो प्रोसेस होता है जनरली जब मदर को उसके काल्फ से अलग कर दिया जाता है, ताकि जनरली हम ऐसा क्यों करते हैं,
क्लीन मिल्क के लिए भी करते हैं ताकि हमें क्लीन मिल्क मिले, ठीक है, इसके लिए भी जनरली हम करते हैं, ठीक है, इसके और जनरली जैसे इसके अलावा न्यूट्रिशन के लिए भी करते हैं, क्योंकि काल्फ क्या करता है कि मदर की बॉडी से एक्सेसिव न्यूट्रिशन ले लेता है, तो कई बार क्या होता है कि उसकी वजह से धीरे धीरे मदर की बॉडी भी डिग्रेड होने लग जाती है, मतलब उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होने लग जाता है, तो इसलिए हम विनिंग करते हैं। तो विनिंग का जो टाइमिंग होता है कितना कितना होता है, शीप कैटल और स्वाइन और गोट में, तो शीप में जनरली 14 वीक का होता है, शीप में विनिंग का टाइम होता है 14 वीक का, ठीक है, 14 वीक में शीप में जनरली विनिंग कर लेते हैं, यानी कि उसके बेबी से उसको अलग कर लेते हैं। ऐसे ही आपका जनरली टाइम होता है कैमल काऊ का, तो काऊ में जनरली ये टाइम होता है कैटल्स में यानी कि 9 वीक का, तो 9 वीक की टाइमिंग होती है कैटल्स के लिए, शीप के लिए होती है 14 वीक्स की। गाइज देखो वर्षा मैम भी आई हुई है, कुछ बात करना चाह रही है आपसे, लीजिए मैम बिल्कुल इन लोगों से बात कीजिए। थैंक यू सो मच हिना मैम, लीजिए मैम। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे चल रहे भाई आप लोग की तैयारी? कल आप लोग का IBPS CFO का एग्जाम है और मॉर्निंग से आप सभी स्टूडेंट्स की मैराथन क्लासेस चल रही है, तो एज अभी आप लोग का हिना मैम कवर करा रही हैं एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक्स को, उसके बाद आप लोग की क्लास स्टार्ट होगी मेरी, तो 3 से 5 तक मैं आप सभी स्टूडेंट्स को फिशरी फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। बिल्कुल प्रणाम है जी, तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं हिना मैम की क्लास में जुड़े हुए हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स जैसे ही मैम की क्लास ओवर होगी वैसे ही मेरी क्लास में पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए यही मुझे आप लोग को इन्फॉर्म करना था, तो जल्दी से आप लोग जैसे क्लास ओवर होगी तो 3 आप लोग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेरे द्वारा, वो क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और अभी आप लोग एंजॉय कीजिए, क्वेश्चंस के आंसर कीजिए, एनर्जी को बरकरार रखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच मैम, और बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगा मैम काफी दिनों के बाद आपसे मिलकर भी। बिल्कुल मैम सेम, तो भाई गाइज वर्षा मैम यार आज स्पेशली आप सभी की मैराथन के लिए ऑफिस आई हैं और यार स्टूडियो से आज मैम क्लास ले रही हैं, तो आप सभी को मैम की क्लास में भी बिल्कुल ऐसे जुड़े रहना इसी एनर्जी के साथ, क्योंकि यार कल हमारा वो एग्जाम है जिसके लिए हमने पूरा साल लगाया है, ठीक है, पूरे साल तैयारी करी है, तो इसी एनर्जी के साथ आपको मैम के साथ भी जुड़े रहना, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना विनिंग का टाइम देख लें, ठीक है, तो विनिंग का टाइम जनरली शिप में कितना होता है, 14 वीक्स का है, काऊ में कितने वीक्स का, कैटल्स में यानी कि 9 वीक्स का है, स्वाइन में इसका जो टाइम है, ठीक है, स्वाइन में कितना वीक्स का टाइम होता है, तो स्वाइन में होता है 8 वीक्स का टाइम, और गोट में होता है 16 वीक्स का, ठीक है, गोट में कितना होगा 16 वीक्स का। तो यार इसको भी एक बार नोट कर लो, विनिंग टाइम भी एक बार नोट कर लो, ठीक है, विनिंग टाइम भी एक बार नोट कर लो आप, ठीक है। मैम जर्नी स्टार्ट हो गई है एग्जाम सेंटर के लिए, वेरी गुड। तो गाइज अच्छा आप लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है यार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के पेपर देना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं देना है, ठीक है। मैं भी आ गया आज सुबह, ओके चलो वेरी गुड वेरी गुड। यार देखो अपने गोल को पाने के लिए ना थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमें चेंज करने पड़ते, थोड़ा सा सफर हमें करना पड़ता है थोड़ी बहुत चीजों को, लेकिन ये बात भी तो होती है कि यार मेहनत से जो चीज ना मिली उसकी कदर भी तो नहीं होती है, मेहनत से जो चीज मिलती है उसकी कदर भी उतनी ज्यादा होती है, ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है ऐसा, ठीक है। तो भाई गाइज आप सभी को विश यू वेरी ऑल द बेस्ट अपनी जर्नी के लिए, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी इसलिए मैं अभी से आपको विश यू वेरी ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ, और बहुत अच्छे से आप इस जर्नी को कंप्लीट करोगे, आई नो दैट, ओके। तो चलो अब बाकी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो स्वाइन की विनिंग का टाइम हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा वरुण कोटला देहरादून है सेंटर, अच्छा चलो सब, मतलब सारे स्टूडेंट्स ने भाई अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट गाइस, सब मैं आपको पहले ही विश कर दे रही हूं, बाद में भी विश करूंगी, ठीक है। चलो अभी वापस आ जाते हैं वीरिंग टाइम पर, तो शीप का जो वीरिंग टाइम है वो 14 वीक्स है, कैटल्स का है आपका जनरली 9 वीक्स, स्वाइन का है 8 वीक, और गोट का है 16 वीक, तो ये सबने नोट कर लिया, ठीक है, ये विनिंग टाइम सबने नोट कर लिया। अब गाइस एक चीज और आपको नोट करनी है, कैस्ट्रेशन, ठीक है, कैस्ट्रेशन का भी तो टाइम होता है इनमें, ठीक है, कैस्ट्रेशन, तो भाई कैस्ट्रेशन का सबसे पहले किसका टाइम, शिप का टाइम हम नोट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली शिप के लिए कैस्ट्रेशन का जो टाइम होता है, ठीक है, ये होता है 8 वीक, मतलब कितने टाइम पे कैस्ट्रेशन करते हैं, तो 8 वीक में हम कैस्ट्रेशन करते हैं जनरली आपका ये शिप का, ठीक है, शिप का सॉरी शिप का जनरली हम 8 नहीं यार 8 वीक में शिप का नहीं करेंगे, 8 वीक में हम करेंगे 2 वीक्स में करेंगे शिप का, ठीक है, 2 वीक्स में करेंगे हम शिप का, ठीक है। गाइज इसको साथ साथ में आप देखते भी रहो, इसको साथ साथ में आप नोट भी करते रहो, तो 2 हफ्ते में शिप का होता है, कैटल्स का होता है 8 से 10 हफ्ते में, ठीक है, जो ये कैटल्स हैं, कैटल्स का कैस्ट्रेशन होता है 8 से 10 हफ्ते में, ध्यान रखो 8 to 10 वीक्स, देखो गाइज इसको नोट भी करते रहो साथ साथ में, नोट भी करते रहो इसको साथ साथ में, ठीक है, 8 से 10 हफ्ते में कैटल्स का है, स्वाइन का होता है 1 हफ्ता, और गोट का होता है 4 हफ्ते, ठीक है, स्वाइन का कितना है 1 हफ्ता है,
स्वाइन का होता है 1 वीक, स्वाइन का कैस्ट्रेशन चलता है 1 वीक में हो जाता है, ठीक है, इसका 1 हफ्ते में हो जाएगा, और इसके अलावा नेक्स्ट होता है आपका गोट, तो गोट का होता है 4 वीक, ठीक है भाई, गोट का है आपका 4 वीक। तो सभी का कैस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया गाइस, सभी का कैस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया। तो शीप का कैस्ट्रेशन होता है 2 वीक्स में, कैटल का कैस्ट्रेशन होता है 8 से 10 हफ्ते में, स्वाइन का होता है 1 हफ्ते में, और गोट का होता है 4 हफ्ते में। क्लियर बात, और विनिंग पीरियड भी मैंने आपको सभी का बता दिया है। तो गाइज विनिंग और कैस्ट्रेशन दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो कितनी अच्छी और प्यारी चीजें आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ हीट टॉलरेंस इज फाउंड इन गोट, बफेलो, काउ एंड फिश। अब बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। मैकेनिज्म ऑफ हीट टॉलरेंस इज फाउंड इन हीट टॉलरेंस, हाँ बिल्कुल, डिहॉर्निंग विद इन 5 डेज, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब मुझे बताइए गाइस, बहुत कम एज में डिहॉर्निंग भी हम कर देते हैं। चलिए अब मुझे ये बताइए गाइस कि मैकेनिज्म ऑफ हीट टॉलरेंस किस में मिलती है। हीट टॉलरेंस की मैकेनिज्म, इट इज फाउंड इन गोट, इट इज फाउंड इन बफेलो, इट इज फाउंड इन काउ एंड फिश। अब बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा गाइस, बताइए फटाफट से बताइए गाइस क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बी बोनी झांसी, सी इज करेक्ट, राकेश, ए इज करेक्ट, ओके साइमा, ए इज करेक्ट, आकाश, अजय, सी इज करेक्ट, ओके। तो गाइज मैकेनिज्म ऑफ हीट जनरली बफेलो में, ठीक है, बफेलो में। तो बी जितने स्टूडेंट्स ने आंसर किया उनका आंसर सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइलेंट हीट डोमिनेंट इन नहीं यार अभी से आज अब आप लोग ये मत सोचना कि एनिमल, अभी विष्णु ने कमेंट किया था मैं भूल गई उस टाइम पे, एक्चुअली वर्षा मैम आपसे इंटरेक्ट कर रही थी तो कमेंट देखते देखते मेरे दिमाग से निकल गया। अभी प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चन भी है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के बाद, ओके। चलो दीपक कालवा, ए इज करेक्ट, ओके ठीक है, दिग्विजय, बी इज करेक्ट। तो गाइज यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बफेलो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल वजाना इन बफेलो, तो भाई कितना टेम्परेचर की जरूरत होती है ये बफेलो में आर्टिफिशियल वजाना के लिए। 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 39, 45 एंड 32, बताइए क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द आर्टिफिशियल वजाना इन बफेलो, बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, बताइए गाइस। बिल्कुल बफेलो होगा, बिल्कुल बफेलो होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल वजाइना इन बफेलो, फटाफट से बताइए। अलग अलग ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं यार, अलग अलग, किसी में सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, अलग अलग किसी में होमोजेनाइजेशन करते हैं, अलग अलग करते हैं। ओके आकाश, सी इज करेक्ट, ऋतिक 45, हंसा 39, राकेश, सी इज करेक्ट, भावना बफेलो, ओके दीपक, ए 41 इज करेक्ट, ओके ठीक है। चलो तो गाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। अरे नेक्स्ट क्लास अभी वर्षा मैम की है, वर्षा मैम की है यार नेक्स्ट क्लास, ठीक है 39 हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेम्परेचर फॉर आर्टिफिशियल वजाइना इन काउ, अब काउ में कितना चाहिए भाई, काउ में आर्टिफिशियल वजाइना का कितना टेम्परेचर चाहिए, 41, 39, 32 एंड 45, फटाफट से बताओ गाइज क्या करेक्ट आंसर होगा, बताइए फटाफट से बताइए। आर्टिफिशियल वजाइना में काउ में कितना चाहिए, तो गाइज यहाँ पर आपका टेम्परेचर हो जाएगा 41, तो काउ में ज्यादा होता है, ठीक है, बफेलो में कम हो जाएगा, काउ में ज्यादा, उसमें 39 है इसमें 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइल्यूएंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बफेलो सीमेन इज, तो भाई बफेलो के सीमेन के लिए ऐसा कौन सा, हम प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज करेंगे, एल्कोहल यूज करेंगे, एसिटोन यूज करेंगे, सिट्रिक एसिड, हे यूज करेंगे या फिर ऑल, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, डाइल्यूएंट या फिर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बफेलो सीमेन क्या होगा, बताइए फटाफट से बताइए। हाँ काउ में बिल्कुल 41 है और बफेलो का 39 है, अब इस क्वेश्चन का बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा। और यार साथ में सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो गाइस, साथ में सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। बोनी झांसी, डी इज करेक्ट, ओके हंसा, ए इज करेक्ट, तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा सिट्रिक एसिड, हे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्शन रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंसामिनेशन, तो ए आई यानी कि आर्टिफिशियल इंसामिनेशन का कंसेप्शन रेट क्या होता है, 35, 58, 58 to 75 या फिर 100%, बताइए आर्टिफिशियल इंसामिनेशन का कंसेप्शन रेट कितना होता है कि उससे कंसीव हो जाएगा, बताइए
ऋतिक 20 करेक्ट, हेमा 20 करेक्ट, ओके तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, एवरेज पीरियड ऑफ लैक्टेशन इन बफेलो, तो बफेलो में लैक्टेशन पीरियड की एवरेज लैक्टेशन पीरियड कितना होता है, 145, 175, 181 and 332, बताइए 35 होगा गाइस, 35 होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, लैक्टेशन पीरियड कितना होगा, बताइए लैक्टेशन पीरियड बफेलो का कितना होगा, लाइक एवरेज लैक्टेशन पीरियड बी, ओके मुस्कान का आंसर आया है सी, स्वपर्णिका का आंसर आया है सी, ओके तो गाइस यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 281 डेज, कितना हो जाएगा 281 डेज। तो अगर हम बफेलो के लैक्टेशन पीरियड की बात करते हैं गाइस, तो वो आपका 281 डेज हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल सी आंसर सभी का सही है। अच्छा गाइस अगर हम डेयरी काउ की बात करें, ठीक है डेयरी काउ का लैक्टेशन पीरियड कितना होता है, तो डेयरी काउ का लैक्टेशन पीरियड होगा 305 डेज, कितना हो जाएगा 305 डेज, समझ आई बात, 305 डेज लैक्टेशन पीरियड होता है किसका, डेयरी काउ का, ठीक है। ड्राई पीरियड इनका कितना होगा, ड्राई पीरियड होता है 60 डेज तक, और गेस्टेशन पीरियड तो आपको पता ही है, ड्राई पीरियड आता है 60 डेज तक और गेस्टेशन पीरियड तो आपको पता ही है ना 283। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज फर्टाइल लाइफ ऑफ एन एग इज, तो एग की एवरेज फर्टाइल लाइफ कितनी होगी, 12 से 24, 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन या फिर 2 दिन, फटाफट से बताइए गाइस, हमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 305, यस बिल्कुल मुस्कान, 305 होता है डेयरी काउ का, वेरी गुड, और 60 डेज ड्राई पीरियड, बिल्कुल कुलदीप मुस्कान बिल्कुल सही। हाँ जी अब बताइए एवरेज फर्टाइल लाइफ ऑफ एन एग, एग के लिए एवरेज फर्टाइल लाइफ कितनी होती है, बताइए, तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा 12 से 24, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम बाय सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर इज, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सबसे ज्यादा सुटेबल टेम्परेचर जो है क्रीम सेपरेशन के लिए, ठीक है क्रीम सेपरेशन के लिए बाय सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर कितना होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, दामिनी का आंसर आया है ए, अजय का आंसर आया है बी, ठीक है वेरी गुड गाइस। हाँ सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो यार, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ठीक है। चलो साइमा 20 करेक्ट, ओके तो गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्रूड फाइबर इन रफेज, क्रूड फाइबर इन रफेज 80% से मोर देन 80%, मोर देन 30%, मोर देन 25% एंड मोर देन 35%, अब बताइए क्रूड फाइबर इन रफेज, रफेज में क्रूड फाइबर कितना होगा, बताइए। तो गाइस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18%, कितना हो जाएगा मोर देन 18%, कितना हो जाएगा क्रूड फाइबर जो होता है रफेज में मोर देन 18% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टीडीएन टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, तो टीडीएन इज क्रूड फाइबर इज, तो टीडीएन इन क्रूड फाइबर कितना होगा, मोर देन 60% होगा, मोर देन 65% होगा, मोर देन 50% होगा या फिर मोर देन 52% होगा, तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। टीडीएन इन अ क्रूड फाइबर इज, टीडीएन इन अ क्रूड फाइबर इज कितना होगा, बताइए। अरिंदम हाँ बिल्कुल बिल्कुल 18 से ज्यादा होगा, अब इसका बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, 65। दामिनी हंसा ए इज करेक्ट, साइमा ए इज करेक्ट, कुलदीप ऋतिक हेमा, अच्छा बी और ए दोनों आ रहा है, तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा आपका 60%, ठीक है 60% से ज्यादा। तो बेसिकली सकुलेंट फीड कंटेन मॉइस्चर, सकुलेंट फीड में कितना मॉइस्चर होता है, अप टू 40 to 60% या फिर 45 to 55, 30 to 40 या फिर 60 to 90, बताइए कितना क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सैकुलेंट फीड कंटेन मॉइस्चर अप टू, जल्दी से बताइए गाइज। भावना कुमारी एल्कोहल, अच्छा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है भावना आपका ये, ओके हंसा आंसर डिलीट कर दिया, ओके मेरा आंसर लेट जा रहा है, कोई बात नहीं आप, कोई बात नहीं आप आंसर करो तो। अरिंदम हंसा डी इज करेक्ट, ओके ऋतिक लेस और मोर, क्या लेस और मोर, लेस देन 60, बिल्कुल बिल्कुल वहां पे मार्क्स तो लगा रखा है, ठीक है। तो चलो गाइस इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 to 60, ठीक है। तो बेसिकली सैकुलेंट फीड कंटेन मॉइस्चर अप टू कितना हो जाएगा 40 to 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, तो डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन इन लेग्यूम फॉडर इज, अब हम लेग्यूम फॉडर की बात करेंगे, तो भाई आपका डीसीपी जो है, ठीक है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन इन लेग्यूम फॉडर इज कितना परसेंट होगा, 4 to 5%, 6 to 9%, 2.5 to 3% या फिर 3 to 4%, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए. डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन इन लेग्यूम्स इज कितना होगा बताइए. मैम 55% होगा. क्या होगा 55? 35 नहीं 55, क्या होगा 55 बताओ. कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो. चलिए बताइए गाइस यहाँ पर क्या होगा. डीसीपी यानी कि डाइजेस्टेबल प्रोटीन इन लेग्यूम फॉर्डर, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 to 3%. ठीक है, 2.5 to 3% हो जाएगा. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. डीसीपी नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप इज, डीसीपी जो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए कितना होगा, तो 3 to 5%, 0.5 to 1, 1 to 2 या फिर 2 to 3. फटाफट से बताइए गाइस, अब जल्दी से क्वेश्चन हमें मतलब अपना सेशन पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद वर्षा मैम स्टार्ट करेंगी, तो जल्दी से करिए गाइस. साइमा सी इज करेक्ट, ओके ठीक है. दामिनी सी इज करेक्ट, ओके. तो गाइस यहाँ पर आपका 0.5 to 1 हो जाएगा. कितना, 0.5 to 1. चलिए टीडीएन इन लेग्यूम फॉर्डर कितना होगा बताइए. टीडीएन इन लेग्यूम फॉर्डर 10 से 15, 15 से 30, 30 से 40 या फिर 40 से 50. फटाफट से बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर. और गाइस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो, ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए. अजय ए इज करेक्ट, 12 से 24 डेज. क्या 12 से 24 डेज, 30 to 40% हो जाएगा. ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. साइज ऑफ कार्विंग बॉक्स, तो कार्विंग बॉक्स का साइज कितना होगा जिसमें उसको रखते हैं, 200 से 250 या 100 to 150 या फिर 50 to 100 या फिर 150 to 200. फटाफट से बताइए गाइस, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 to 150. ठीक है कार्विंग बॉक्स के लिए. चलिए नेक्स्ट, गोट्स कितना शेयर करती है मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया में, 2.9%, 5%, 10% या फिर 15%. तो बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा. तो गोट्स जो है जनरली 2.9% कम शेयर करती है. ठीक है चलिए नेक्स्ट, बिगेस्ट एंड मैजेस्टिक गोट ब्रीड इन इंडिया. तो भाई आपकी बिगेस्ट और मैजेस्टिक गोट ब्रीड कौन सी है इंडिया में, बीटल है, जमुनापारी है, बारबरी है या फिर सूरती है बताइए. कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल जमुनापारी हो जाएगी. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेनन ब्रीड इज नेटिव ऑफ, तो सेनन ब्रीड का नेटिव प्लेस क्या है, सेनन ब्रीड का नेटिव प्लेस क्या है. यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, अफ्रीका, यूके है बताइए. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड. एस फॉर सेनन, एस फॉर स्विट्जरलैंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ ऑस्ट्रेशन इन गोट. तो भाई आपका ऑस्ट्रस जो है, सॉरी ऑस्ट्रस पीरियड जो है गोट में कितना होता है, 12 से 15, 15 से 18 घंटे, 48 to 36 या फिर 24 to 48 आवर्स. तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा. बिल्कुल बिल्कुल गाइस फटाफट से बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, कितना इनका ड्यूरेशन पीरियड होता है बताइए. फटाफट से बताइए गाइस यहाँ पर इनका ऑस्ट्रस पीरियड कितना होगा. तो इसका ऑस्ट्रस पीरियड कितना होगा भाई, सी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही आंसर कर रहे हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा 24 से 48 आवर्स. चलो न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन एफिशिएंसी फॉर द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ अ डेयरी काउ, तो भाई सॉरी ऑफ अ डेयरी काउ, तो कितना हो जाएगा. न्यूट्रिएंट कन्वर्जन एफिशिएंसी जो है एक डेयरी काउ की मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितनी होती है, 40%, 45%, 38% एंड 42. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 38%. ठीक है चलो, और यही एफिशिएंसी गोट के लिए कितनी होती है, न्यूट्रिएंट कन्वर्जन एफिशिएंसी गोट के लिए 38%, 42, 45 to 71 and 40 to 45 बताइए. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, यहाँ पर सेशन को साथ साथ में लाइक और शेयर जरूर करते रहो. तो 45 टू 71 हो जाएगा, गोट के लिए कितना है 45 टू 71 हो जाएगा. क्लियर बात. चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस. व्हाट इज द फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर काउ इन ओपन, तो भाई काउ के लिए ओपन में कितना फ्लोर स्पेस चाहिए जल्दी से बताइए गाइस. काउ के लिए ओपन में कितना फ्लोर स्पेस चाहिए, 2.4 चाहिए या फिर आपका 3.4 चाहिए या फिर आपका 5.7 चाहिए या फिर आपका 7.0 चाहिए. गाइस देखो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैंने ओपन में पूछा है आपसे, ठीक है, मैंने आपसे ओपन में पूछा है, बाकी में नहीं पूछा है. तो फ्लोर स्पेस कितना चाहिए, तो गाइस काउ के लिए अगर ओपन में देखें तो 7.0 है. ठीक है अब यहाँ पर सभी का देख लो. देखो बुल का क्लोज्ड में, बुल का अगर हम क्लोज्ड में देखते हैं, ठीक है, तो बुल का क्लोज्ड में है 12, ठीक है, 12 मीटर चाहिए. ठीक है 12 मीटर्स चाहिए, ओपन में 24 है. काउ का क्लोज में है 3.5, ओपन में है 7. बफेलो का 4 है और ओपन में है कितना, 7. ठीक है क्लियर हो गई ये बात. ओके चलो ये तो हमने बात कर दी इनके कंप्लीट ओपन स्पेस की. ठीक है प्रेग्नेंट काउ के लिए चाहिए क्लोज्ड में, प्रेग्नेंट काउ का होता है 4. ठीक है प्रेग्नेंट काउ का होता है 4 क्लोज्ड में. ठीक है और अगर हमारी प्रेग्नेंट काउ ओपन में है तो इसका हो जाएगा 8. तो बस आपको एक एक बढ़ा देना है. नॉर्मली 3.5 और 7 है और यहाँ पर 0.5 बढ़ा दो 4 और यहाँ पर 1 बढ़ा दो 8 हो गया. ठीक है क्लियर.
चलो एग्रीमाइसिन 100 इज अ मिक्सचर ऑफ, फटाफट से बताइए गाइस, फटाफट से बताइए एग्रीमाइसिन 100 इज अ मिक्सचर ऑफ। हाँ अभी मैं आपको गोट का भी बताती हूँ, अभी गोट का भी बताती हूँ, ठीक है, सभी के बता दूंगी मैं आपको। एग्रीमाइसिन 100 इज अ मिक्सचर ऑफ, कितना किसका मिक्सचर होगा, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन का हो जाएगा, ठीक है, किसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन का। अच्छा गाइस मैं आपको इसमें एक दो चीजें और बता देती हूँ, एडल्ट गोट के लिए भी मैं आपको फ्लोर स्पेस बता देती हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। एडल्ट गोट का फ्लोर स्पेस कितना होगा, तो गाइस एडल्ट गोट की अगर हम बात करें तो इसका फ्लोर स्पेस होता है 1.25, ठीक है, 1.25 to 1.5, ऑलमोस्ट 1.25 to 1.5 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रेग्नेंट डो के लिए, अगर प्रेग्नेंट डो एंड बक होंगे, प्रेग्नेंट डो एंड बक के लिए कितना चाहिए, तो इनके लिए चाहिए 2 मीटर, बस ये आपका 0.5 आप बढ़ा दो, 0.5 बढ़ा दो, ठीक है, 2 मीटर चाहिए, ठीक है, तो इतना जनरली इसके लिए चाहिए होता है। बर्ड्स के लिए अगर हम बर्ड्स की बात करें, यानी कि ब्रॉयलर वगैरह की बात करें, तो उनको 1/4 चाहिए, कितना चाहिए, 1/4 चाहिए ओनली, 1/4 स्क्वायर फीट, कितना चाहिए, 1/4 स्क्वायर फीट। गाइज इसको साथ साथ में नोट भी करते रहो, ठीक है, 1/4 स्क्वायर फीट। अच्छा वहीं अगर मैं लेयर की बात करूं, तो लेयर को कितना चाहिए, तो 2 स्क्वायर फीट, कितना चाहिए, 2 स्क्वायर फीट चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब शिप का भी देख लो, शिप का भी देख लो, शिप के लिए कितना चाहिए, गोट का नोट कर लिया, शिप का भी नोट कर लो, तो शिप का अल्टीमेटली 20 से 25 होता है, कितना होगा, 20 से 25 स्क्वायर फीट, 20 से 25 स्क्वायर फीट, कितना होगा, 20 से 25 स्क्वायर फीट। और 15 से 20 चाहिए होता है फीमेल शिप का, एडल्ट फीमेल शिप का, ये मेल का है, एडल्ट मेल का 20 से 25, और 15 से 20 चाहिए होता है एडल्ट फीमेल शिप को, ठीक है, समझ गए इस बात को। और छोटी है, यंग है, तो उसको 10 स्क्वायर फीट चाहिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ से आप सबके नोट कर लो, ठीक है, यहाँ से आप सबके नोट कर लीजिए फ्लोर स्पेस, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ आई बात। तो बिल्कुल यार इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, और साथ साथ में सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रीन ईयर डिजीज द फ्लावर आर कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। तो भाई कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें फ्लावर जो है वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फटाफट से बताइए गाइज इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रीनिंग, मॉल फॉर्मेशन, फाइलोडी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फाइलोडी, क्योंकि इसमें फ्लोरल स्ट्रक्चर जो है वो आपके लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, सीसेम में जनरली ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोड ट्रांसमिटेड पॉलीहेड्रल वायरस यानी कि नीपो आर वेक्टर्ड बाय द जीनस। तो नीपो वायरस को कौन सा जीनस जनरली इसमें वेक्टर का काम करता है, यहाँ पर लॉजिडोरस, ट्राइकोडोरस, पैराट्राइकोडोरस एंड प्रेटिलेंचस, बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ चलो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिडोरस, ठीक है, ये आपका इनको, ये निडल निमेटोड का जीनस है, ठीक है, और ये बेसिकली आपके काफी सारे वायरसेस को, यानी कि पोटैटो वायरस और कोकाओ वायरस, बहुत सारे वायरसेस के लिए क्या करते हैं, एज अ वेक्टर काम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट नॉट निमेटोड वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। तो रूट नॉट निमेटोड को पहली बार किसने रिपोर्ट किया था, वान गंडे, गोल्डन, या फिर आपके बर्कले, या फिर आपके मैक्रने, बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाकले, ठीक है, इन्होंने पहली बार इसको रिपोर्ट किया था और कुकुम्बर में देखा था, ठीक है, कुकुम्बर में डैमेज कॉज किया था, वहां पर देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पिंग ऑफ आर प्लांट डिजीज इन विच प्लांट डाइड। तो भाई डैम्पिंग ऑफ आपका एक प्लांट डिजीज है जिसमें प्लांट डाई कर जाते हैं, कौन सी कंडीशन में, फ्लावरिंग स्टेज में, सीडिंग स्टेज में, आफ्टर मेच्योरिटी एंड एट फ्रूट फॉर्मेशन, फटाफट से बताइए गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। डैम्पिंग ऑफ आर प्लांट डिजीज, तो डैम्पिंग ऑफ क्या है, प्लांट डिजीज है और इसमें प्लांट डाई कर जाता है, कौन सी कंडीशन में, तो बेसिकली सीडलिंग स्टेज में, ठीक है, सीडलिंग स्टेज में। तो राइजोक्टोनिया, पिथियम, फ्यूजेरियम, फाइटोफोथोरा, स्केलरोशिनिया, स्केलरोशियम बोट्राइटिस, ये सभी जनरली इस इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। वेरी गुड दिग्विजय, शुभम, विशु, अजय, वेरी गुड गाइस, बिल्कुल सही बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय। तो एल्बिगो, पिथियम, स्केलरोशिया या फिर पर्नोस्पोरियम, कौन कॉज करेगा बताइए। हाँ बिल्कुल नर्सरी में करते हैं, बिल्कुल हंसा सही बताया है, नर्सरी में करते हैं, ठीक है। हाँ अब बताइए, हाँ दीपक आपने बिल्कुल सही बताया, सीडलिंग में इन्फेक्शन कॉज करता है, तो पोस्ट इमरजेंस और प्री इमरजेंस कॉज करता है, ठीक है। तो गाइस साथ साथ में यार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना आपको, ठीक है। चलो डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय,
तो क्या होगा यहाँ पर, साइमा सी इज करेक्ट, हंसा बी इज करेक्ट, दिग्विजय पिथियम, यस गाइस पिथियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, रस्ट ऑफ ग्राम इज कॉज्ड बाय, तो गाइस फटाफट से हमें क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, इसके बाद वर्षा मैम की क्लास भी है। तो पक्सीनिया यूरोमाइसिस फ्रैगमीडियम, हाँ क्या होगा करेक्ट आंसर, एंड यूरोसिस्टिस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोमाइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, When two different hosts are required by a fungus to complete its life cycle, it is known as autoecious, heterocious, homothelism and heterothelism. अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, When two different hosts are required, जब दो अलग अलग होस्ट की जरूरत होती है तो उसे क्या बोलते हैं, डेफिनेटली heterothelism, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो बेसिकली stubborn disease of citrus is caused by, तो सिट्रस में जो स्टबन डिजीज है वो कौन कॉज करेगा, स्पाइरोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, एल फॉर्म बैक्टीरिया या जाइलम लिमिटेड फास्टिडियस बैक्टीरिया, तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए गाइज, और सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिए। हाँ बिल्कुल हिट्रोसियस, हिट्रोसियस, हाँ चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइरोप्लाज्मा, ठीक है स्पाइरोप्लाज्मा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, अच्छा सॉरी ये आपका गलती से हिट्रोथैलिसम हो गया ना, हिट्रोसियस होगा, हिट्रोसियस सॉरी हिटरोसियस हो जाएगा, हिट्रोथैलिज्म नहीं होगा, हिट्रोथैलिज्म मीन्स टू बॉडीज ना, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू डिफरेंट, सॉरी ये दोबारा से आ गया क्या, नहीं 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 ओके एक मिनट, चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका कॉज डिजीज इन क्रूसिफर विच इज नोन एज, तो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका कौन सा इन्फेक्शन कॉज करेगा बताइए, ये क्लब रॉट का इन्फेक्शन करेगा, अर्ली रस्ट का करेगा, सॉरी वाइट रस्ट का करेगा, अर्ली ब्लाइट करेगा या फिर लेट ब्लाइट का इन्फेक्शन करेगा, बताओ कौन सा इन्फेक्शन करेगा। और गाइस साथ में सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो, ठीक है। क्लब रॉट कौन सा इन्फेक्शन करेगा, क्लब रॉट, तो क्रूसिफर में कैबेज रेडिस इन सभी में ये जनरली क्या करता है, क्लब रॉट का इन्फेक्शन कॉज करता है, ये क्या है एक फंगस है, ठीक है। चलो ये गांठे बना देता है रूट्स में, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हाँ बिल्कुल दिग्विजय, हेमा, हंसा, वेरी गुड गाइस, शुभम, ऋतिक, अजय, हाँ भावना बिल्कुल, अच्छा बरात बिल्कुल सही आंसर किया है। इन 1963 कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वाज गिवन बाय, किसने दिया था भाई, इरिक्सन ने, ऑटर ने, स्टैकमैन ने या फिर वेंडरप्लैंक ने, तो ये दिया था वेंडरप्लैंक ने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डाउनी मिडियो ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स में डाउनी मिडियो का इन्फेक्शन कौन कॉज करता है, प्लाज्मोपारा, हेल्डाई, विटिका, विटिकोला सॉरी इफ्यूसा एंड पर्नोस्पोरा इफ्यूसा एंड डिस्ट्रक्टर, तो ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट प्लाज्मोपारा विटिकोला, ओवर विंटर में इन्फेक्शन कॉज करता है। शुगर केन रिटर्निंग स्टंटिंग इज कॉज्ड बाय, तो शुगर केन में जो आपका स्टंटिंग हो जाता है कौन से इन्फेक्शन में, तो ये जनरली क्लेविबैक्टर में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैक्टीरियल ब्लॉच ऑफ कल्टिवेटेड मशरूम, अच्छा गाइस वर्षा मैम की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, तो आप सभी को वर्षा मैम की क्लास में रहना है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम है, तो गाइस अभी आप सभी स्टूडेंट्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स IBPS FO एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अभी हिना मैम की क्लास जैसे ही ओवर होगी वो नेक्स्ट क्लास में तुरंत आ जाएंगे, राइट। तो गाइस आप सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को फाइनल डे पर टच देने के लिए, एक अच्छा और एक अच्छे रिविजन कराने के लिए आप लोग के लिए मैराथन क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं, तो ज़रूर से आप नेक्स्ट क्लास में भी जुड़िएगा। तो कैसे हैं और जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर है फटाफट से आप लोग नेक्स्ट सेशन में जुड़ जाएगा, और जो भी हिना मैम कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं स्टार्ट हो रहा है, हिना मैम बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि आप स्टूडियो से क्लास नहीं ले रहे थे, मतलब कहाँ थे। सर मैं यहीं पर थी सर, मेरे बच्चे समझते हैं इस बात को भी। चलिए हिना मैम, तो गाइस ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं भाई, ठीक है। अब वर्षा मैम की क्लास है तो वर्षा मैम की क्लास में आप सबको जाना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यूडोमोनास टोलेसी, ठीक है। तो गाइस एट द एंड ये आप लोग का बैच है IBPS SO FO का, जो भी स्टूडेंट इस ईयर उन लोगों ने रिजोल्यूशन लिया है कि भाई हम लोगों को IBPS SO का एग्जाम क्रैक करना है, तो गाइज आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। ये आपका फाउंडेशन बैच है, इस बैच में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ें, तो बेसिक ये नहीं डरना है कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो हम बैच में कैसे इनरोल करेंगे, बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेना है आपको। बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पूरा कंप्लीट IBPS FO का सिलेबस कराया जाएगा, राइट। तो गाइज इस बैच में इनरोल करने के लिए आप एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो Y447, इस कूपन कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, और आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। तो गाइस अब वर्षा मैम की क्लास है तो आप वर्षा मैम आ रही हैं, वर्षा मैम
चलिए हाँ, पीपीटी वगैरह ओपन कर दीजिए, क्लास का टाइम हो गया है जी सर, थैंक यू सो मच। कहीं नहीं जाना है। हाँ वैभव सर बगल में है, बच्चे आवाज सुन के बोल दिए, देख रहे हैं वैभव सर, ठीक है ये देखिए वैभव सर। अरे अच्छा, हाय रिती कैसा भाई? अरे सर ये टी शर्ट, सर ये टी शर्ट कहाँ से लेके आए? अरे सर मेरा ही जैकेट है, वो इज्जत से रखिए सर, इज्जत से रखिए। सर आईबीपीएस एफओ में करंट अफेयर नहीं आ रहा शायद, जनरल अवेयरनेस मैम जी नहीं आता, अदरवाइज आपके जैसे आप मैराथन जस्ट आपके बाद हम भी लग जाते हैं मैम मैराथन। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ पढ़ाएंगे अभी हम लोग फॉरेस्ट्री फिशरी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वैभव सर के साथ मिलकर पढ़ने वाले, आधे क्वेश्चन के आंसर आप दोगे, आधे क्वेश्चन के आंसर वैभव सर। बहुत सारे लोग मिले होंगे इनफैक्ट एफसीआई के क्लास में मिले होंगे जी सर, बिल्कुल हाँ। और एफसीआई अभी एजी 3 के फेज 2 के लिए हम लोग फिर से लगने वाले हैं, ताबड़तोड़ मेहनत होगी उसके लिए, ठीक है जी सर, बिल्कुल थैंक यू सो मच। सो गाइस अभी आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, तो मैं बताता हूँ भाई जितने भी बच्चे यहाँ हिना मैम के क्लास में हैं अब फटाफट जंप मारो, जंप नहीं मारोगे तो हम अभी फेंकने वाले हैं आपको, ठीक है ना, जैसे ही ये एंड होगा आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। सो मैम लीजिए, थैंक यू सो मच जी। सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपकी